गुड इवनिंग ऑल। आज का दिन बहुत एक्साइटिंग दिन है क्योंकि आज हमारे बीच एक ऐसे पर्सनालिटी आए हैं जिनको हम जानते हैं कि वो वेरी बिगिनिंग से ऑन पैसिव की हिस्ट्री में हमारे हिसाब से एकदम शुरुआती दिन से वो लगे हुए हैं और बहुत लगे हुए हैं, बहुत एक्टिव है। डेली बेसिस में हम सब उनके वीडियो सुनते हैं, जानते हैं। द ग्रेट यूट्यूबर फ्रॉम इंडिया, रियली इट्स वेरी गुड। सिर्फ यूट्यूबर नहीं है, एक बहुत अच्छे पर्सनालिटी भी है, जावेद जफरी सर। जावेद जफरी सर, हैप्पी रमजान, गुड इवनिंग, और सबको मेरे तरफ से गुड इवनिंग। मैं गौतम सिंह असम से, आज का होस्ट, आपका दोस्त। फ्रेंड्स, आज हम बातचीत करेंगे। हमारा आज का टॉपिक जो है वो है ग्रो विथ ऑन पैसिव। आज का टॉपिक इसलिए ऐसा रखा गया है क्योंकि जावेद जफरी सर कैसे ग्रो किए हैं ऑन पैसिव के साथ। उनका पर्सनल लाइफ तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन ऑन पैसिव में वो जो अपना एक नेम एंड फेम बनाए हैं, एक इज्जत कमाए हैं, वो कैसे, आज हम लोग जावेद सर से जानेंगे, समझेंगे, सुनेंगे। तो इस ग्रेट पर्सनालिटी को बुलाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं हमारे प्लेटफॉर्म की ऑर्गेनाइजर सुपर्णा मैम को। सुपर्णा मैम, आप आइए और सर को इन्वाइट कीजिए। मोस्ट वेलकम सुपर्णा मैम। नमस्कार, थैंक यू गौतम सर मुझे इन्वाइट करने के लिए। और सबसे पहले मैं सुपर्णा सिंह असम की इनिट ट्यूनिट ग्रुप में सभी पैनलिस्ट, होस्ट, को होस्ट और आज के प्रेजेंटर, गेट प्रेजेंटर बोल सकते हैं जावेद जफरी सर को, बहुत शुरू से हम लोग जानते हैं, सुनते हैं यूट्यूब से। और सर के जो हम लोग जब कुछ भी नहीं जानते ABCD ऑन पैसिव के बारे में, तब सर से सुन के हम लोग थोड़ा सा नॉलेज लेते थे। और सर को जब मैंने मैसेज किया, सर एक ही बार में सर मैसेज का रिप्लाई भी दिए, तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ क्योंकि बहुत सारे लीडर्स को मैसेज करते हुए रिप्लाई नहीं देते हैं। तो सर को भी थैंक यू करना चाहूँगी। और सर को मैं बोला जो सर आप प्रेजेंटेशन देंगे, तो सर बोला टॉपिक क्या होगा, तो सर को बोला जो आप बोलिए। तो सर के लिए तो कोई भी टॉपिक आज मैटर नहीं करता, लेकिन फिर मैंने बोला तो ग्रो विद ऑन पैसिव, सर शुरू से आप हो तो ऑन पैसिव कैसे ग्रो किया है और ऑन पैसिव के बारे में से आप कितना ग्रो किए हो, मतलब हम लोग कितना ग्रो कर रहे हैं, इसके बारे में आप आके हमें नॉलेज दीजिए। तो सर आज का टाइम दिया है हम लोगों के लिए, तो बहुत ग्रेटफुल रहेंगे सर के लिए। मोस्ट वेलकम सर, आप आए हैं, हम बहुत खुश हुए हैं। थैंक यू सर, मन पर आपका वेलकम है, आप आइए। थैंक यू वेरी मच सुपर्णा जी मुझे इनवाइट करने के लिए, सर विजय कुमारी जी और आपके जो भी है, रेखा मखाना जी और आप जो भी ऑर्गेनाइज करते हैं, दैट्स ग्रेट। बहुत खुशी हो रही है आप लोगों के साथ जुड़के, और इतने सारे वेबिनार होते हैं तो समझ में नहीं आता कहाँ कहाँ पे क्या क्या होता है, बट वो सब एक्साइटेड है और खुश है, कुल मिला के खुश है। और सबको पता है कि यहाँ पे जीत जो है वो निश्चित है, तो बहुत अच्छा टॉपिक भी आपका बहुत अच्छा है। क्योंकि एक्चुअली क्या है, नॉर्मली जितने भी सेशन में जाता हूँ तो लोग ज्यादातर क्या डिटेल्स वो मांगते हैं, अपडेट्स क्या है, लेटेस्ट सिनारियो। तो भाई लेटेस्ट सिनारियो तो ऑलरेडी सब जानते हैं जो चल रहा है। अब एक ही टॉपिक को एक हफ्ते तक अगर आप खींचोगे तो वो सही नहीं रहता है, लेटेस्ट सिनारियो तो हम सब जानते हैं उस बारे में। तो ये थोड़ा अच्छा टॉपिक है, और जैसा मैम बता रही थी कि थैंक यू, आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं यहाँ पे बुलाया आपने। और दूसरा है कि टॉपिक जो है बहुत अच्छा है आपका, क्योंकि मैं भी काफी टाइम से ऑन पैसिव में हूँ। मेरे ख्याल से 31 अक्टूबर 2024 को मेरे 4 साल पूरे हो जाएंगे, तो मतलब पता नहीं चला ये टाइम जो है, 6-7 महीने बाद 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे, तो ये टाइम जो है, ये वक्त जो है वो पता नहीं चला और ये अचानक से कब आ गया एप्पल मेरे साथ यहाँ पे। जो पुराने, जैसे मैंने बताया था आपको कि हमारे खिलाड़े जी जुड़े, उनको भी 3.5 मेरे साथ के सब लोग हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जस्ट ट्रस्ट किया और मेरे साथ डायरेक्ट में काफी सारे लोग हैं, उन्होंने आज तक मुझसे कभी क्वेश्चन नहीं किया भाई कि पैसा कब आएगा, ऑन पैसिव कब लॉन्च होगा, क्योंकि लॉन्च तो खैर हो गया है। क्योंकि जब मैं ऑन पैसिव में आया था, मैंने दो ही वर्ड बोले थे कि आप जब ऑन पैसिव में आए हैं
तो आप कभी मुझसे ये सवाल मत कीजिएगा कि इनकम कब से आएगी और इसमें ये कब होगा, किसी ने आज तक क्वेश्चन नहीं किया, तो अभी भी वो क्वेश्चन नहीं करते क्योंकि उन्हें राइट आप गाइड करोगे तो आपके पास कभी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आज हमारे यहाँ शैलेश तिवारी जी जुड़े हैं, ये भी मल्टी लेवल मार्केटिंग के सुपर योद्धा रह चुके हैं, अभी भी करते हो कहीं ना कहीं, लेकिन ऑन पैसिव में जुड़े हुए हैं, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। खिराड़े जी हमारे साथ जुड़े, मैं भी बहुत एमएलएम फील्ड में रहा हूं, बट अभी तो फाइनली कुछ भी नहीं कर रहा हूं, ऑन पैसिव ही 100% है, तो खुशी हम लोगों की हमारे साथ में जो एमएलएम फील्ड से भी लोग आए हैं, तो उन्हें यहाँ पे पेशेंस का जो है एग्जाम्पल मिल गया है, क्योंकि नॉर्मली कुछ कंपनियां लोग करते हैं 3-4 महीने से ज्यादा करते नहीं है, छोड़ पकड़ और बंद, लेकिन ऑन पैसिव में जो लोग जुड़े हुए हैं उनको पेशेंस का जो रियल रिजल्ट है वो अब देखने को मिला है कि पेशेंस जो होता है वो यहाँ से सीखा जाएगा, वो है ऑन पैसिव, क्योंकि 5-5.5 साल में हमने जो ऑन पैसिव में देखा है जो ग्रो होते हुए वो वन ऑफ द बेस्ट है, मतलब इसके साथ हम बढ़ रहे हैं लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसमें थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा क्योंकि आप लोगों के साथ में लाइव हूँ तो इस बारे में जरूर बताऊंगा। सर जैसे बता रहे थे कि ज्यादा हम जाते, मैं बता दूं कि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ हूं और काफी बैंक वगैरह में भी, कोई आईसीआईसी बैंक फलाने में कॉमे जॉब भी किए, कई ऐसे भी काम किए जो कि ऐसा भी होता था जिसमें 8-8, 10-10 घंटे और कई जब 8-8, 10-10 किलोमीटर पैदल चल के जो है, जैसे होम लोन्स वगैरह में मैं था तो 10-10 किलोमीटर पैदल चल के जो है काम करते थे, क्योंकि होता क्या था कि बहुत पैसों की कड़की होती थी तो करें क्या, तो इतनी मेहनत कर करके काम करते थे, तो जीवन में एक संघर्ष ने बहुत कुछ सिखाया कि जीवन में पैसा होना बहुत जरूरी है, वो पैसे के बिना भाई कुछ भी नहीं होता है। तो आप एक जॉब लेके बैठे हो या एक कुछ छोटा मोटा काम लेके बैठे हो तो भाई उसको ग्रो करिए, उसको आगे बढ़ाइए, क्योंकि उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नीड है ये, पैसा जो है दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट है और इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है और इसको हमको समझना चाहिए। तो इसके लिए हमने कई एमएलएम कंपनियां भी की, बहुत सारे काम किए, जैसे मैंने बताया यहाँ पे शैलेश सर जुड़े हुए हमारे और भी लोग हैं जो मुझे जानते हैं काफी टाइम से, और जब मैं लोगों को कहता था, जैसे और भी लोग थे हमारे एमएलएम फील्ड के बहुत, कि मैंने उनको बोला आ जाइए, बढ़िया कंपनी है, कुछ नहीं करना है, जस्ट आप अपना यहाँ पर लॉग इन जुड़ जाइए, दैट्स इट। तो उसमें बहुत लोग आए लेकिन बहुत सारे लोग नहीं आए, तो आज भी पछता रहे हैं कि काश हमने ऑन पैसिव को उस टाइम कर लिया होता तो कुछ और लेवल पर हम लोग हो जाते। तो जिन्होंने फेथ किया था उस टाइम वो हमारे साथ जुड़ गए, इस सिस्टम के अंदर शामिल हो गए शुरुआती दिनों में, 2020 में जब ये इसकी शुरुआत हुई थी, मतलब जो ग्रो किया था, जो ऑन पैसिव में एकदम ब्लास्ट जो आया था वो नवंबर से दिसंबर 2020 से बहुत जम के ग्रोथ आई थी, आप लोग भी जानते होंगे जो पुराने फाउंडिंग मेंबर होंगे, उसके पहले तो जो लोग थे वो तो थे ही, लेकिन जो 2020 के बाद ब्लास्ट आया, और आप भी जब हिस्ट्री चेक करेंगे तो फाउंडिंग मेंबर की संख्या यहाँ बहुत ब्लास्ट की थी और 2-3 महीनों में लाखों लोग इसके अंदर जो है ज्वाइन हो गए थे। तो ये 2020 से बहुत तेजी से ग्रो कर गया और उसी दौरान मैंने अपना काम शुरू किया, फिर मैंने सोचा चलिए ऑन पैसिव को कहीं सर्च किया, देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं ऑन पैसिव के अंदर एंट्री कर गया और बस वो 31 अक्टूबर से फिर शुरुआत हो गई ऑन पैसिव में, और अपना बस तब से अभी तक कारवां ये चल रहा है, और उस टाइम बहुत सारे नेगेटिव भी झेले, आज भी झेलते हैं बट कम हो गए, उस टाइम गालियां भी खाई हमने, आज भी कई लोग बोलते हैं बट ज्यादा नहीं रहा, पहले बहुत कुछ सुना भी, क्योंकि हमें पता था हम ऐसी कंपनी में जिसमें आगे बहुत स्कोप है, तो जिसको जो बोलना है उस टाइम बोलने दिया और हम अपना काम करते गए, और आज बड़ा प्राउड होता है कि हम उस लेवल पे आ गए जो हमने कभी पहले सोचा भी नहीं था। तो बस ऑन पैसिव में भी ऐसा ही रहा कि जब हम 2020 में जब हमारी एंट्री हुई थी तो उस टाइम अधिक कुछ भी नहीं था उस बारे में, वो कनेक्ट के बारे में 0 नॉलेज था, मतलब वो कनेक्ट क्या होता है ये भी नहीं पता था, प्रोडक्ट आएंगे जरूर था कि हमारा एक छतरी के नीचे अम्ब्रेला के नीचे बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे, उसके अंदर प्रोडक्ट का जिक्र जरूर था, वो कनेक्ट का, वो मेल का, लेकिन वो कुछ भी मार्केट में नहीं आया था, मतलब 2018 से कंपनी काम कर रही थी लेकिन 2020 तक ऐसा कोई खुल के इन्फॉर्मेशन नहीं आया कि ये चीज होगा, ये जरूर था कि इस टाइप से पे स्ट्रक्चर होगा, थोड़ा सा चेंज भी हुआ, फ्री कुछ चलता था उस टाइम, कुछ एमएलएम टच लगता था तो उसको चेंज किया गया और नए सिरे से उसको शुरुआत की गई, और 2020 में खासकर ये सारी चीजें मैक्सिमम 2020 से ही शुरू हुई है, 2020 से, तो उस दौरान जो है बहुत सारी चीजों का चीजें नई नई सामने आने लगी, और जब 2021 के बाद जब 2022 आया 2022, उसके बाद से एकदम नई पिक्चर जो है सामने आने लगी ऑन पैसिव की, जिसमें ओ कनेक्ट को लेकर के बहुत सारी इंफॉर्मेशन आने लगी कि एक ऐसा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल जो कि तहलका मचा देगा, तो कई बार बिलीव नहीं होता कि यार ये ऐसा होगा, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल बनाना आसान नहीं था, आप सभी जानते हैं, इस बारे में भी इंफॉर्मेशन दी गई थी, टाटा जैसी कंपनी ने भी इसके लिए जो है बहुत हाथ पैर मारे हैं, लेकिन वो कभी नहीं कर पाए उस सिस्टम को, कभी भी वो इस टाइप का नहीं बना पाए, लेकिन ऑन पैसिव ने विद इन 1.5 से 2 साल के अंदर इतना बड़ा कॉन्फ्रेंसिंग टूल जो है तैयार कर दिया, तो ये बहुत
बड़ी बात थी, हम सभी के लिए एक प्राउड की बात थी कि हमने इस सिस्टम के अंदर जो इस ऑपरेट को बनते हुए देखा, और उस टाइम काफी ग्लिचेस थे, सब कुछ हो रहा था, कभी अप्स एंड डाउन होते थे। थोड़े दिन पहले आप देख रहे होंगे, जब तक हमारा न्यू वर्जन नहीं आया था उसके पहले भी कहीं हमें लगता था ये कमियां हैं, लेकिन हर कमी एक बार में पूरी नहीं होती है। ऐसे 2020 से लगातार 22 से लगातार जो है ऑपरेट के ऊपर काम हुआ, और आप अभी जिस व्यू को हम देख पा रहे हैं, आप सभी बड़ा प्राउड फील करते होंगे कि ये जो जिस व्यू को अभी हम सब लोग देख पा रहे हैं कितना स्मूथ ये चल रहा है। और अभी सबसे अच्छी बात यह है कि अटेंडेंस वाली लिंक जो है, जिस पे नॉर्मली दिक्कत आती थी क्लिक करने में, कहीं बफरिंग हो रहा है या कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वो जो है अब बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये एक शानदार चीज रही, और वो कनेक्ट हमारा वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट अभी आने वाले और दिनों में बहुत जबरदस्त होगा। लेकिन थोड़ा सा और बैक में हम जाए तो देखते होंगे कि हमने मार्केटिंग के ऊपर काफी काम किया था ऑन पैसिव ने, और इसमें जो सबसे बड़ा एग्जांपल था जब बुर्ज खलीफा पे ऐड हुआ था, आपको याद हो तो उस टाइम करीबन मुझे याद है लाइव था, उस टाइम मैं भी पैनलिस्ट की लिंक में था, वहां पर रेड रेड पिन हम और बाकी खुशविंदर सर सभी लोग वहां थे, ऐश मुबारे सर भी थे, और ये 20 यूट्यूब चैनल पे लाइव हुआ था 2022 की वो बात होगी। तो बुर्ज खलीफा पे हमें एक अचानक से सरप्राइज देखने को मिला, वहां पे ऐड देखने को मिला, और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था हम सभी के लिए, और ऑफिस की वहां पे बताया गया, तो ये हमारे लिए बहुत बड़े से बड़े अचीवमेंट में गिना जाएगा। फिर वैसे ही हमारा ऑन पैसिव मेट्रो स्टेशन होना, ये सबसे बड़ी अपडेट मानी जाएगी मेरे हिसाब से ऑन पैसिव की हिस्ट्री में, क्योंकि अभी तक, और अभी तो खैर वो कनेक्ट है ही, बट ये वाला जो था बहुत अच्छा लगा था कि हमारे यहाँ पर हमारे जो ऑन पैसिव का मेट्रो स्टेशन होना, ये एक हम सबके लिए बड़ा प्राउड का विषय था। और इसी तरह से जो कारवां हमारा चला, इसमें बहुत सारी चीजें आई, और खुशी होती थी उस टाइम जब शुरुआत में मैं यूट्यूब वीडियो बनाता था, तो क्योंकि प्लेटफॉर्म क्या होता क्या देखिए, अब तो बहुत सारे यहाँ पे प्लेटफॉर्म होते हैं, अब सब लोग मीटिंग कर लेते हैं, और अच्छी बात है, करना भी चाहिए। उस टाइम ज्यादा नहीं था, 8 बजे का टीम चैंपियन का वेबिनार होता था, उसमें बहुत लोग आने के लिए लड़ते भी थे कि भाई मुझे आना है, मुझे अपना प्रेजेंटेशन देना है, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाता था क्योंकि बहुत लोग होते थे। तो उस टाइम मैं फिर भी यूट्यूब पे ही ज्यादा एक्टिव था, तो वॉइस ऑफ ऑन पैसिव हमने शुरू किया था, हमारे प्यारे से फाउंडिंग मेंबर जो अब नहीं है इस दुनिया में, बड़ा दुख होता है, इदरीस मोदी साहब, जो मेरे जबरदस्त, मतलब मैं उनकी आईडी से डायरेक्ट हूँ, मतलब डायरेक्ट बंदा हूँ मैं उनका, तो मेरे ब्लेजर है। तो बहुत खुशी होती है कि ऐसे लोग भी हमारे साथ जुड़े रहे, और आज भी वो जहां भी होंगे वो खुश होंगे और देख रहे होंगे, क्योंकि मुझे याद है इदरीस मोदी साहब का जब वो एक्सपायर हुए थे, उसके कुछ दिनों पहले जब वो कनेक्ट का पैकेज आया था, आपको याद हो सितंबर 2023 में, तो सुबह सुबह उनका फोन आया, वायर जबीर भाई आपने कमाल किया। मैंने क्या हुआ, मैंने आप मेरे डायरेक्ट और पहला बंदा आप जिससे मेरे को आपको 100% मुझे मिला है, क्योंकि उनसे मैंने दो आईडी ली थी, दोनों में उनसे मुझे सबसे पहले पैकेज मैंने ही बाय किया था रात में 2:30 बजे के समथिंग। तो खुश हुए, बातचीत करी, हमने वीडियो कॉलिंग करी, बहुत अच्छा मोमेंट था वो, और ऐसे कई सारे हम लोगों ने पल बिताए हैं आपस में, कई फाउंडिंग मेंबर हम जितने भी लोग हैं यहाँ पर, इमोशनल चीजों से हम लोग जुड़े हुए हैं, और इमोशनल तो रहते हैं क्योंकि हम एज ए इंसान, एज ए ह्यूमन पहले आते हैं, बाकी चीजें बाद में आती है। देखिए पैसा इंपॉर्टेंट है, मैंने जरूर शुरू में आपसे ये कहा था, जरूरी है, उसके बिना दाल रोटी नहीं चलती है, लेकिन जो रिलेशनशिप होती है, जो खुशियां होती हैं, वो पैसों से नहीं आती है, पैसों का वैल्यू अपना है, बट खुशियां जो होती हैं वो कुछ पलों के लिए, जब भी आपको मिलता है मौका तो उसको एंजॉय कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमें जो ऑन पैसिव का परिवार जो मिला है एक्चुअल में, यहाँ पे अभी अब देखिए कितने लोग हम यहाँ पर है, और हम लोग दिन रात यहाँ पे वेबिनार्स मीटिंग करते हैं, किसी को कोई अभी इनकम नहीं है ऐसा, और जिन्होंने थोड़ा एफर्ट डाले थे उन्हें जरूर यहाँ पे कॉइन्स मिले हैं, बट अभी विड्रॉल आने हैं, पेंडिंग विड्रॉल आने हैं, वो 100% यहाँ पे शामिल है। और इसी तरह से जो हमारा ऑन पैसिव का ग्रो हुआ है दोस्तों, डे बाय डे बहुत फास्ट ऑन पैसिव के साथ में हो रहा है। आज से इतिहास उठा के देखो 5 साल पहले या 4 साल 3 साल पहले का, तो आप पाएंगे कि शायद हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं था, तो लगता था यार ये कहीं हवाबाजी तो नहीं है, हवा में तो बातें नहीं हो रही है। उसके बाद फिर हमारा हैदराबाद का ऑफिस वहां पे आ जाना, और हैदराबाद ऑफिस के आने के बाद में लोगों का फेथ यहाँ पे 4 गुना और बढ़ गया, और विजिट किया लोगों ने 2020 में, मुझे मौका मिला 2021 में जाने का कंपनी की तरफ से, और कॉल आई थी वहां पे मुझे, और बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था वो पल जब मुझे कॉल आया अचानक से, और हम 8 या 10 लोग वहां पे टोटल गए थे, और वहां पे जो हमने विजिट किया उसके बाद में तो भैया आंखें खुल, मतलब फटी की फटी रह गई। उस टाइम खुशविंदर ढिल्लन सर भी थे जब मैं गया था उस टाइम 2021 में, और तो हम लोग ढिल्लन साहब से यही पूछ रहे थे कि सर एक बार बताइए आपको क्या लगता है ऑन पैसिव में क्या है ये, हम इतना बोले यार अनबिलीवेबल, मतलब हम तो विश्वास ही नहीं कर सकते ये चीज जो है ऑन पैसिव में होगी। और हैरानी की बात देखिए कि
लोग दौड़े चले जाते हैं कि यार का हैदराबाद ऑफिस बाहर से फोटो खिंचा रहे थे कुछ ने। आप सोचिए कि मिस्टर ऐश मोहारे आज तक कभी हैदराबाद ऑफिस नहीं गए, लेकिन सारा बैठ के उन्होंने ऑनलाइन सारे सिस्टम को संभाला है। उनका ऑफिस भी हम देख कर आए, वो कभी वहाँ गए नहीं, बट उनका ऐश मोफारे ऑफिस पूरा वहाँ पे है। तो सोचिए डिजिटल वर्ल्ड कितना बड़ा होते जा रहा है, उस डिजिटल वर्ल्ड में मतलब एक जो बोल सकते हैं ना, जो एक जाल जो बिछा दिया है, तो वो ऑन पैसिव ने बिछा रखा है, और अभी आने वाले दिनों में ऐसा ही कुछ और होगा जो अनबिलीवेबल होने वाला है। तो हमारे लिए जितने भी यहाँ पे लोग हैं, खासकर हमारे जितने भी फाउंडिंग मेंबर हैं, वो लोग यहाँ पर दिन रात वेबिनार मीटिंग करते हैं। और आपने जैसा देखा होगा ऐसे इसमें अभी पिछले कुछ दिनों पहले आपने एक पोस्ट देखी होगी, उसमें करीबन 5,800 लोगों ने यहाँ पे वेबिनार क्रिएट किया, इसमें से 40,000 लोगों ने एक ही दिन में, मतलब 14 तारीख की बात है, 14 तारीख को ये सारी चीजें हुई हैं। तो एक ही दिन में एक ही प्लेटफॉर्म पे इतनी सारी चीजें होना ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर हमारे यूजर या कस्टमर जो है आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, काफी लोगों ने क्वेश्चन किया है कि कैसे होगा, यहाँ पे आ भी रहा है कि नहीं, ट्रैफिक आ रहा है कि नहीं। तो देखिए ट्रैफिक कुल मिला के हम ही इसका पार्ट है, आज से नहीं 2018 से हम भी एक ट्रैफिक ही है। बस फर्क यह है कि हम अर्लीस्ट कस्टमर हैं, हमारे यहाँ पे जो एफिलिएट लिंक है वो बहुत मायने रखेंगे। यहाँ पर हम शेयरिंग करते हैं या नहीं करते हैं एफिलिएट वो मैटर नहीं करता है, इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि एफिलिएट लिंक जो है कंपनी अपने हिसाब से वो डिसाइड करेगी डेट एंड टाइम के हिसाब से किसे कितना ट्रैफिक देना है। आपने पैकेज बाय किए होंगे उसके हिसाब से आपको ट्रैफिक यहाँ पे 101% मिलेगा, और शायद वो माइंड बॉगलिंग होगा, क्योंकि जब हम इस बात को समझे कि जब हमने पिछले 4-5 सालों से, 5.5 सालों से, 3 साल से, 2 साल से अगर इंतजार कर रहे हैं, तो ये ऐश मोफारे उन्हें भी पता है कि यहाँ पर हर किसी को जरूरत है पैसों की, यहाँ पे हर किसी को जरूरत है, बहुत सारी चीजें लोगों की जरूरतें हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पे कि छोटा मोटा कुछ आपको यहाँ पे वॉलेट में जनरेट हो, कुछ बड़ा ही बड़ा धमाका देखने को मिलेगा, क्योंकि कपल ऑफ डेज में जैसा मिस्टर ऐश ने कहा है कि कुछ और अनाउंसमेंट वो कर सकते हैं, बड़ा अनाउंसमेंट, तो वो क्या होगा आई डोंट नो, बट वो बड़ा अनाउंसमेंट जो होगा वो हम लोगों के लिए एक दिमाग की धज्जियां उड़ा देने वाला होगा, और वो हम लोग उसके लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और हम लोग सभी यहाँ पर सुपर एक्साइटेड हैं और आगे भी रहे। थोड़े से क्या होता है कि कई बार आदमी, आप मुझे देखिएगा, मतलब एक्साइटमेंट कभी कम नहीं होता है। आप मेरे वीडियो आज से 4 साल पहले भी उठा के देखोगे, 3.5 साल पहले मैं वैसे ही था। ऐश मुबारक साहब को आप देखोगे वो भी कोई एक्स्ट्रा कभी नहीं, वो 4-4.5 साल पहले जैसे बताते थे वो कभी भी नहीं। रिलन सर को आप देखोगे वो कभी भी आपने देखा होगा एक्साइटमेंट वैसे ही। कारण क्या है, इसकी वजह क्या है, कई लीडर्स इसमें बीच में ऐसे भी आए जो कि थोड़े से अपसेट हो गए, शायद उनको समझ में नहीं आया और उन्होंने कुछ रॉन्ग चीजें कर दी जिसकी वजह से वो सिस्टम से आउट हो गया। यार कुछ लोग सिस्टम से आउट तो नहीं हुए लेकिन उनके माइंड में थोड़ा सा डाउट आ गया था तो वो सिस्टम से बाहर हो गए। तो उसका मतलब ये है कि आप अगर एक्साइटेड रहोगे, आपको जो भी है, देखिए हम यहाँ पे टेक्निकल चीजों को लेके कभी भी अपनी तरफ से कुछ भी बोल नहीं सकते हैं कि भैया कल परसों में ये चीज हो जाएगी, मैं पक्का आपको बोल रहा हूँ। कई वेबिनार में मैं देखता हूँ सुनता हूँ तो मैं बोल रहा हूँ आपको इस 21 तारीख के पहले बहुत कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ नहीं है। जब ऐश मुफारिस आपको पता नहीं है, टेक्निकल चीजें होती है तो ऐश मुफारिस आपको ही पता है, वो ही आके बताने वाले। और जब मिस्टर ऐश बार बार कहते हैं वेबिनार में, उन्होंने कहा भी है कि क्या होने वाला है अभी आगे की क्या प्लानिंग है, सिर्फ उन्हें पता है और उनके फैमिली में शायद 1-2 मेंबर को पता है, उसके अलावा किसी के पास कोई भी नॉलेज नहीं है। तो ये एक थोड़ा सा कई लोगों को बड़ा हर्ट भी हो जाता है, आप ऐसा कहते हो तो फिर आपको तो कुछ मालूम ही नहीं है। भैया हमें वही मालूम होता है जो अपडेट आती है बैक ऑफिस में, हमें वही मालूम होता है जो इंफॉर्मेशन आती है बैक ऑफिस से या जो भी चीजों की, तो वही शेयर की जाती है। यहाँ पर आप अपने पास से एक्स्ट्रा अगर बता देते हैं तो भैया मामला गड़बड़ है। और दूसरा ये बात जरूर है कि हमारी लाइफ, ये जरूर आप कह सकते हैं हमारी लाइफ सेट है, हमारे लाइफ का जो सबसे बड़ा अभी तक का बिजनेस हमने किया उसमें सबसे बड़ा बिजनेस वो ऑन पैसिव है, क्योंकि ऑन पैसिव को बिना इनकम के साथ में 4-5 साल 6-5.5 साल तक करना ये हर किसी के बस की बात नहीं थी। और इसी वजह से जो है यहाँ पर जो है जैसे हमारे अभी आर्मी मैन जुड़े थे अभी, जिनका नाम सॉरी मैं बोल रहा हूँ, वो है, और ऐसे कई सारे जो आर्मी के लोग हैं हमारे साथ में जो बॉर्डर पे भी जो है हमारे वीडियोस वगैरह देखते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है कि वो लोग देखते हैं, हमारे देश की सेवा करते हैं और हमारे वीडियो वो देख लेते हैं। तो भैया हम कुछ भी नहीं है, जो है वो
आप अपना इतना अच्छा वहाँ पे काम करते हैं, ऐसे हमारे कई सीआरपीएफ में हमारे जैसे खिलाड़ी जी हैं मेरे साथ जो जुड़े हैं, ऐसे कई लोग हैं जो रिस्पेक्ट करते हैं, दूसरे की इज्जत करते हैं, उन्हें पता है कि यहाँ पे हम जिस सिस्टम में जुड़े हैं तो उसमें हम इंजॉय कर रहे हैं। तो हमारे ऐसे खिलाड़ी जी हैं वो बार बार कहते हैं, सर इस साल जॉब छोड़ सकता हूँ क्या, क्या मैं इस साल जॉब छोड़ सकता हूँ क्या, क्या इस साल जॉब छोड़ सकता हूँ क्या, ये उनका क्वेश्चन रहता है। तो मैं उन्हें अक्सर बोलता हूँ, ऐसे कई और भी लोग हैं। तो देखिए ऐश मुफारे सर जो है वो सिस्टम जो जैसे काम करेगा उसके हिसाब से वो सब सारी चीजें होनी है। यहाँ पर मिस्टर ऐश ने कुछ वेबिनार पहले कहा था कि और वो कनेक्ट इसी तरह से जैसे पूरी तरह से वायरल हो जाएंगे तो आप अपने जॉब से रिजाइन कर सकते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप अपडेट्स अगर प्रॉपर समझते होंगे देखते होंगे तो आपको ये चीज पता चलेगी। बट अभी आप जो भी काम कर रहे हैं उसको करते रहिए, एंजॉय कीजिए, क्योंकि यही पल है। अगर ऑन पैसिव नहीं होता तो शायद हम इस मीटिंग में नहीं होते, अगर ऑन पैसिव नहीं होता तो शायद आज हम यहाँ पे आके एक दूसरे से डिस्कशन नहीं करते, अगर ऑन पैसिव नहीं होता तो कुछ और कंपनियां हम कर रहे होते, फिर तीन तीन चार चार महीने बाद कंपनियां चेंज कर करके फिर वो मीटिंग्स वगैरह कर रहे होते। तो बेहतर यह है कि ऑन पैसिव के साथ में अगर इस सिस्टम से हम जुड़े हैं, यहाँ पर इतने सालों तक हमने इंतजार किया है ऑन पैसिव का, 24 आवर्स यहाँ पे हमने वर्क भी किया है। मुझे याद है अभी तो बहुत लोग अपडेट्स देते हैं यूट्यूब पे और ये आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आजकल आने लग जाती है, रात को एक एक दो दो तीन तीन बजे, आपको याद हो सुबह तक पहले मीटिंग्स होती थी, तो ये वो कनेक्ट के आने के बाद कम हो गया है। लेकिन जब अपडेट के सेशन होते थे आप याद कीजिए कि उस टाइम 2020 21 21 तक 22 तक क्या चीजें होती थी कि वेबिनार सुबह मतलब इंडियन टाइम में अगर बात करें तो लगभग 12:30-11 बजे शुरू होता था, 11:30 बजे, और सुबह के 5-5, 6-6 बजे तक चलता था। और उस टाइम भी हमने मीटिंग्स अटेंड करी थी, मतलब जगते थे रात भर, फिर उसकी अपडेट बनाना, उसको सामने लेकर के आना, ये आसान नहीं होता था। तो कई लोग उसके अंदर सिस्टम में जुड़े रह के बहुत 24 आवर्स मेहनत की, और उसी का ये नतीजा है कि आज यहाँ पर हम इस लेवल पर ऑन पैसिव को अब देख पा रहे हैं। तो जो ग्रोथ हुई है पिछले 5 साल में, जो ग्रो किया ऑन पैसिव के में, आप देखिए डे बाय डे जो उसपे चीजें ऐड हुई हैं वो दिमाग हिला देने वाली है, क्योंकि अभी वो कनेक्ट को हम देख पा रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से, लेकिन अभी कुछ ही दिनों में 100% ये तय है कि इसके अंदर ओ वेरीफाई और जो ओ ट्रैकर है वो तो ऑलरेडी रेडी है। क्योंकि कुछ लोगों ने कहा है कि यार सर 6-7 महीने हो गए ये ओ वेरीफाई का, तो कब से अपकमिंग बता रहा है, तो डोंट वेरी वो अपकमिंग बता रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि 101% वो ओ वेरीफाई जल्दी ही हमारे उसमें ऐड होने वाला है और वो रेडी होगा। सही वक्त का इंतजार करना ओ वेरीफाई, और दूसरा ओ ट्रैकर वो तो बहुत ही पहले रेडी हो चुका है, बट सही वक्त आने पर मिस्टर ऐश आके डेफिनेटली कुछ अच्छी अपडेट देंगे और हमारे ओईएस में कुछ नई नई चीजें देखने को मिलेगी। जिस तरह से ओ कनेक्ट का लेटेस्ट वर्जन हमें देखने को मिला उसी तरह से और भी चीजें इसके अंदर आएंगी। तो ओ वेरीफाई कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, छोड़ दीजिए, विद इन 1 मिनट के अंदर सारी चीजें हो जाएंगी। और अच्छी बात है कि इसमें 10 O Coin भी आपको मिलने वाले हैं, आपके वेरिफिकेशन सही हुए है, और भी कई चीजें इसके अंदर होंगी तो इंटरेस्टिंग रहेगा। तो ये जो पिछले 4-5 सालों का सफर में स्टेप बाय स्टेप हम पहले साल, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें साल में यहाँ तक पहुंचे हैं, तो सोचिए नेक्स्ट 5 ईयर की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट 5 ईयर मतलब कि ये मान के चलिए 2028-29 तक तो मेरे ख्याल से ये डिजिटल वर्ल्ड में जो तहलका मचा देगा ऑन पैसिव, और टॉप मोस्ट कंपनी अगर बन जाएगी सॉफ्टवेयर कंपनी में तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। मैं 5 साल का बता रहा हूँ, 28 से 2030 तक की, क्योंकि मुझे याद है 2020 में मैं ऑन पैसिव में आया था तो एक ही गोल था कि भैया ये पिक्चर बड़ी है, इसको समझना इतना आसान नहीं है, और ये 100% है कि उस टाइम मैंने गोल सेट किया था कि भैया 2025 में ही होना है, जो कुछ होना है इसके अंदर 2025 में इस लेवल पर कंपनी जाएगी जो हम बिलीव ही नहीं कर पाएंगे यार ये वहां तक हम पहुंच गए। तो वैसे तो 24 में ही बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन नेक्स्ट लेवल पर हम 25 में जो बहुत बड़े नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएंगे, और उसके बाद नेक्स्ट 5 ईयर में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में अगर शुमार हो तो उसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी, क्योंकि अकेला जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल है जिसका हम यूज अभी हम कर रहे हैं वो है वो कनेक्ट, ये अकेला सिंगल प्रोडक्ट ही आप यकीन मानिएगा मुझे जहां तक लग रहा है कि इस साल के एंड तक वर्ल्ड के टॉप 5 आई थिंक वर्ल्ड के टॉप 10 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल में शामिल हो सकता है, जिस हिसाब से अभी इसकी अपडेट हो रही है, जिस हिसाब से इसकी अपडेशन अभी हो रहा है, तो इसमें कोई हैरानी नहीं होगी, लेकिन टॉप भी हम जरूर बनेंगे क्योंकि हम किसी से कंपटीशन करने नहीं आए कभी। इसमें अभी वर्चुअल बैकग्राउंड जुड़ना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज, इसके अंदर लैंग्वेज वाला जैसे ही ऑप्शन जुड़ जाएगा तो ये तो तहलका मच जाएगा। और ऐसे कई सारे टूल्स और सॉफ्टवेयर आ रहे हैं जो टेक्नोलॉजी से भरपूर है, जैसे आपने देखा होगा कि अभी मोबाइल फोन एक आने वाला है बहुत जल्दी, एक सैमसंग एक मोबाइल फोन निकाल रहा है जिसके अंदर
ऑटो लैंग्वेज है, मतलब आप कॉल किया किसी ने इंग्लिश में, आपको हिंदी में सुनाई देगा, आप हिंदी में बोल रहे हो आप इंग्लिश में सुनाई देगा। तो ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है, तो भाई ऑन पैसिव टेक्नोलॉजी में पीछे क्यों रहेगा? तो लोगों की क्वेश्चन है, क्या हमारे पास भी ये सारी चीजें आएंगी? जब हमें ये नहीं पता था कुछ साल पहले कि वो कनेक्ट आने वाला है, उसके अंदर ऐसे ऐसे फीचर्स होंगे, तो ये बात भी 100% तय है कि ऑन पैसिव में यहाँ पे फिजिकल प्रोडक्ट भी ऐसे आएंगे या कुछ ऐसी चीजें जो आएंगी वो हमें हैरान कर देने वाली है। तो कि अभी मिस्टर हमें किसी को नहीं पता, तो 99% के अंदर फिजिकल प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, उसके अंदर डिजिटल बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे, बहुत सारी नई सारी जो फीचर्स के साथ में हमारे अभी जैसा ओ क्रिएट और बहुत सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं जिसके अंदर हम नई नई चीजें देखने को मिलेगी। और ओ नेट की बात मैं यहाँ जरूर करूंगा कि ओ नेट को नॉर्मली अभी हम हल्के में लेते हैं, बट मुझे लग रहा है कि सॉरी ओ नेट बहुत बड़ा एक प्रोडक्ट फ्यूचर में आके बनेगा। और 100% अभी हम फेसबुक और दूसरे अदर सोशल मीडिया को जो है यूज करते हैं, बट ये बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म सामने आएगा वो है ओनेट। उस पे भी लगातार काम चल रहा है और मिस्टर एश ने कहा था जैसे कि ओनेट जो है ये कमाल का होने वाला है और इसमें कई फीचर्स भी ऐड हो रहे हैं, तो ओनेट के भी हमें वेट करना है और काफी अच्छी इंफॉर्मेशन और आएगी। तो पिछले ऑन पैसिव के साथ में हम जो लगे हुए इतने सालों से, उसमें लगातार हमने कई चीजें सीखी हैं, इन दिनों में देखा है, नेगेटिव देखा है, पॉजिटिव देखा है, बहुत कुछ चीजें देखी हैं। तो एक बात यहाँ पे मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, वो है पेंडिंग विड्रॉल को लेकर के। कई लोगों के क्वेश्चन है कि पेंडिंग विड्रॉल जो है सर कब तक आएंगे, तो मैं बोलूंगा देखिए पेंडिंग विड्रॉल का भी हमें, आपको याद हो कि बल्क पेमेंट के बारे में मिस्टर एश कुछ देर पहले कह चुके हैं कि बल्क पेमेंट को अभी जो है रोका गया है, बंद नहीं हुआ है, बट वो बहुत जल्दी आपको वॉलेट्स में या जो भी है आपके बैंक अकाउंट वगैरह में देखने को मिल जाएंगे। डेबिट कार्ड को लेकर के काफी अच्छी चीजें हुई हैं। डेबिट कार्ड को लेकर के अभी आपको याद हो, थोड़ा सा मैं बैक में जाऊं तो डेबिट कार्ड का जिक्र आज से 6 से 7 7 8 महीने पहले एक वेबिनार हुआ था, लाइव वेबिनार हुआ था, उसमें मैं भी जुड़ा था और उसमें आपने देखा होगा कि वहाँ पे कुछ डेडिकेटेड फाउंडर के वहाँ पे नाम के साथ में जो है पैसिव का कार्ड एक डेमो के तौर पे बनाया गया था, और वो जो डेमो के तौर पे बनाया गया था उस टाइम बताया गया था, और उसके बाद में आके फिर जो मिस्टर एश ने यहाँ पे जानकारी दी थी वो जनवरी 2024 और 10 जनवरी 2024 की अपडेट पे आप जा करके देखेंगे तो उन्होंने कार्ड के बारे में जिक्र किया था। और इसको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, मैं बार बार इसको इसलिए रिमाइंड करता हूँ क्योंकि जानना जरूरी है कि वहां पर उन्होंने कार्ड के बारे में ऑलरेडी ऑलमोस्ट रेडी हो गया है और इसमें कमीशन लोड हो सकता है, ये भी उन्होंने बताया। और ऐसे ही पर जो लास्ट कुछ अपडेट पहले मिस्टर ऐश आए थे वेबिनार में, उन्होंने बताया था कि यहाँ पे हमारे जो फरवरी मंथ में ही जो है हमारे ऑन पैसिव के जो डेबिट कार्ड है इंडिया के लिए खासकर वो रेडी हो गए हैं। तो इस बात को भी जरा समझिए कि अगर यहाँ पे डेबिट कार्ड रेडी हो गए हैं तो भाई मामला बड़ा जबरदस्त हो रहा है। फरवरी में ऑलरेडी रेडी है, बट वो सही वक्त का इंतजार हमें करना है, कभी भी वो अपडेट आ सकती है कि हमारे डेबिट कार्ड हमें देखने को मिलेंगे, वो वर्चुअल कार्ड पहले आएंगे। और ये वर्चुअल कार्ड किसी जमाने में हमने सोचा नहीं था कि इस टाइप की भी कोई चीज आएगी। ऑन पैसिव के बैंक के बारे में भी कहा गया था बहुत 2 साल 2.5 साल पहले, और वो भी कहीं ना कहीं रेडी होगा, बट ये वर्चुअल कार्ड जो होगा वो कमाल का वर्चुअल कार्ड होना है। अभी मैंने रिसेंटली एक बैंक से एसबीआई का बैंक एसबीआई के लिए मैंने एक वर्चुअल कार्ड को अप्लाई किया, विदिन 2 सेकेंड में जो है उसको अप्लाई कर लिया। नॉर्मली लोग फिजिकल कार्ड के पीछे पड़ते हैं, उसके साथ इंटरनेशनल नेशनल ट्रांजेक्शन सब कर सकते हैं, बस आपका नेट बैंकिंग होना चाहिए। इसी तरह से जब सोचिए उसमें ये चीजें आ सकती हैं, तो हम तो ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड लेस है सारे ऑन पैसिव के टूल, तो 100% यहाँ पे हमारा जो वर्चुअल कार्ड होगा ये कमाल का होने वाला है। इसके अंदर आप पेमेंट लोड कर सकते हैं, इसके थ्रू आप पेमेंट लोड करने के बाद में से शायद ऑप्शन आ सकता है कि आप अपने बैंक में भी इसमें ट्रांसफर ले सकते हैं, या आप उससे कोई चीजें कुछ भी आपको खरीदना हो वगैरह करना हो, शॉपिंग करनी हो, कहीं भी जाना हो तो उससे आप कर सकते हैं। तो ऐसी ऐसी चीजें जो हमने कभी पहले सोची नहीं थी वो सब ऑन पैसिव में आ रही है। तो बिल्कुल आने वाले दिनों में और भी कुछ ऐसी चीजें आएंगी जो हम बस खुश होने वाले हैं देख के और एंजॉय करने वाले हैं। तो हमेशा अपनी जर्नी को एंजॉय कीजिए और खुश रहिए, क्योंकि ऊपर वाले ने आपको बहुत बड़ा एक सिस्टम दिया है और उस ऊपर वाले ने हमको, ऊपर वाले का थैंक यू बोलना चाहिए कि उस सिस्टम में हमको लेके आए। यार सब चीजें आ रही हैं और ऑलरेडी जो चीजें आएंगी वो दिमाग की धज्जियां उड़ा देंगी। चिकन बिरयानी खाइए, नहीं खाती हो तो सारी वेज बिरयानी खाओ और खुश रहो। तो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर, फैंटास्टिक शेयरिंग, रियली आपका प्रेजेंटेशन काबिले तारीफ है। फ्रेंड्स, एक बात का ख्याल रखिएगा, अभी रमजान का महीना चल रहा है और
कैसे मेंटेन होता है ये हम सबको पता है, तो इसके बावजूद सर हमारे बीच आए और इतने अच्छे शेयरिंग दिए हैं कि कैसे हम आप सब मिलके ऑन पैसिव के साथ ग्रो कर रहे हैं, ऑन पैसिव कैसे ग्रो कर रहा है, सारे चीज सर बताए, इंक्लूडिंग हमारे ऑन पैसिव स्टेशन, हमारे हर स्टेप को सर अच्छे से बहुत अच्छे से बताए। तो हमें ये चीज सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। स्पेशली हर जगह पे मैं एक ही बात बोलता हूँ कि नॉलेज गदर करना बहुत जरूरी है। सिर्फ हम ऑन पैसिव में आ गए और इनिट टू इनिट हो गए ये काफी नहीं है। जैसे कि सर बताए हैं 14 मार्च को कितने वेबिनार क्रिएट हुए हैं और कितने वेबिनार हुए हैं, ये भी देखने लायक बात है। और सबसे बड़ा बात है कि कितना स्मूथली उस दिन वो कनेक्ट चल रहा था, जबकि उसी दिन वो लॉन्च हुआ था, नया वर्जन हमारा लॉन्च हुआ था। तो फ्रेंड्स 2021 में सर जब विजिट किए थे हमारे ऑन पैसिव ऑफिस हैदराबाद में, उनमें से हमारे गुजबिंदर धिलन सर थे और 10 फाउंडर थे, तो उसमें कितना एक्साइटमेंट था वो सारे सर क्लियरली बताए हम लोगों के बीच। और ये भी बताए कि विदाउट इनकम कैसे हम ऑन पैसिव के साथ लास्ट 5 ईयर्स जुड़े हुए हैं, तो ये काबिले तारीफ है। सर का 4 साल पूरा होने वाला है, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, 4 साल आप ऑन पैसिव के साथ जुड़े हैं। सिर्फ जुड़े नहीं है, हम सबको भी आप मदद किए हैं कि जुड़े रहने के लिए। इसके लिए आपका तारीफ करना ही पड़ेगा, आप बहुत मदद किए। और बहुत सारे दोस्त यार है जिन लोगों ने यूट्यूब के माध्यम से हमें अपडेट दिए हैं और हमें मदद किए हैं कि हम जुड़े रहे, तो थैंक यू। मैं सुपर्णा मैम को रिक्वेस्ट करूंगा। सुपर्णा मैम आप 2 शब्द रखिए सर के लिए। मोस्ट वेलकम सुपर्णा। थैंक यू, थैंक यू जेफरी सर। सबसे पहले हैप्पी रमजान आपको, और आपने इतना अच्छा नॉलेज दिया है ऑन पैसिव के साथ कैसे आप ग्रो किए है, ऑन पैसिव की फर्स्ट टू लास्ट आपने एवरीथिंग आपने बता दिए है। और सबसे पहले आप जब गए थे ना तब आपको देखे थे ऑफिस में, आप लोग कितना एंजॉय कर रहे थे वो भी हमने देखा है। और सबसे पहले तब तो इतना यूट्यूब पर नहीं आते थे हम लोग, नॉलेज सिर्फ आपसे और सोमलता मैम जो सबसे पहले यूट्यूब में नॉलेज लेते थे हम। तो बाकी बात धीरे धीरे सभी आगे आए यूट्यूबर, जैसे हम लोग भी धीरे धीरे वेबिनार लेना चालू किए, पहले नॉलेज लिया। और आपने बहुत अच्छा स्टोरी सुनाए थे किसी दिन, बहुत पहले मैंने सुना था वो स्टोरी, मुझे आज भी याद है जो ऑन पैसिव में क्या करना है क्या करना नहीं, तो आप इतना अच्छा स्टोरी बोले थे। तो वो स्टोरी मुझे, मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगी, 4 दोस्तों की कहानी थी आपने बोले थे, जो एक दो नॉलेज लेके सब लोग घर में आ रहे थे, तो एक के पास नॉलेज था कि वो कोई भी चीज़ जुड़ सकते हैं, और एक के पास नॉलेज था कि हड्डियों को जुड़ने के बाद उस पर मांस दे सकते थे। और सर शायद सबको याद आ गया सर को, और उसके बाद किसी के मतलब प्राण दे सकते हैं उसमें। लेकिन चारों दोस्त जब एक साथ नॉलेज लेके आ रहे थे तो देखा एक मतलब एक शेर मरा हुआ पड़ा हुआ था, तो चारों मिलके दोस्त तीनों में बोल के बोल रहे थे कि इनको जुड़ना पड़ेगा। तो एक जो देखते हैं नॉलेज काफ़ी आया कि नहीं, तो एक ने उस हड्डी को जोड़ दिया था, तो एक ने उनके ऊपर जो मांस होता है वो लगा दिया था, और एक ने बोला था इसको जान देने वाली है। तो लास्ट में जो सबसे इंसिडेंस है वो बोला इसमें जान मत दो, ये शेर है ये इंसान खाते हैं, तो नॉलेज है नॉलेज अपने पास ही रखो जो। लेकिन किसी ने नहीं सुना था लास्ट में, आपका सुना कहानी आपको ही सुना रही हूँ सर। और लास्ट में वो एक आदमी जो नॉलेज को यूटिलाइज किया वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया था बहुत दूर में जाके, और शाम हो गए थे, शेर जब जिंदा हुआ तो तीनों को खा लिया था। ये होता है नॉलेज लेके नॉलेज को कहाँ प्रयोग करना है ये भी जानना जरूरी था। बहुत पहले सुना था आपका कहानी। अरे सुपर्णा जी थैंक यू, सुपर्णा जी थैंक यू वेरी मच, सॉरी आपको देखा, मुझे तो याद भी नहीं मैंने कब सुनाया था, लेकिन आपको याद है अभी तक, ये बहुत बड़ी बात है। तो शुक्रिया आपका, और ये स्टोरी वाकई में बहुत अच्छी है, और मतलब वाकई में ये हम सब पे भी लागू होती है, क्योंकि कई बार क्या बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज लेने के चक्कर में हम टेक्निकल ज्यादा हो जाते हैं, तो ये टेक्निकल चीजों की जरूरत ही नहीं हमको ऑन पैसिव में भी,
हमें जस्ट सिंपल जो चीजें हो रही है उसको देखते रहो, ज्यादा नॉलेज लेने की वजह से कई लोग आउट हो गए सिस्टम से, ज्यादा नॉलेज भी मत लीजिए, छोटा मोटा जो नॉलेज मिलता है उसको तो आप मुझे देखते हो, उसके लिए थैंक यू वेरी मच, मतलब बराबर देखते हो आप मुझे, थैंक यू थैंक यू। बहुत अच्छे से देखते थे क्योंकि तब तो इतना कुछ नहीं था ना, तब बहुत देखते थे, तो थैंक यू सर आप आए, मैं बहुत खुश हूँ ये आज मेरे बुलाने से आप आई मंच पर, थैंक यू सर। मैं अभी विजय मैम को चाहूंगी, विजय मैम आप आइए मंच पर, आपका कैसा लगा सर का शेयरिंग, आप अपना वैल्यूएबल शेयरिंग दें, उसके बाद मंच को कंटिन्यू कीजिए सर। थैंक यू सो मच सुपर्णा मैम, मुझे मंच पर इनवाइट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इनिट टू विनिट के मंच के ऑर्गेनाइजर, होस्ट, को होस्ट एंड आज के हमारे प्रेजेंटर जावेद जाफरी सर, और सभी अटेंडीज जितने भी मेरे ब्रदर सिस्टर हैं, सभी को नमस्कार करती हूँ, और बिल्कुल बहुत ही माइंड ब्लोइंग सुपर प्रेजेंटेशन जावेद जाफरी सर आपका हमेशा ही रहता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है आपसे, बहुत नॉलेज आप देते हो, बहुत आपने सही कहा कि आपने अगर 4 साल से ऑन पैसिव को जिया है तो आपने बहुत नॉलेज भी गेन किया है, और सभी को आपने यूट्यूब के जरिए बहुत सारा नॉलेज जो प्रोवाइड किया है आपने, सच में बहुत सारे ऐसे फाउंडिंग मेम्बर जैसे मेरे जैसे बाद में आए पेंडिंग आई डी से, और आप लोगों को सुन सुन के हम लोग सीखे हैं बहुत सारा, और यूट्यूब से, और अक्सर आपको अदर अदर सेशन में भी देखती हूँ मैं, बहुत सुनती हूँ, तो बहुत ही नॉलेज है आपके पास सच में, और आपने हर एक चीज यहाँ पर एक्सप्लेन की है, चाहे वो हमारा मेट्रो स्टेशन हो, हमारा बुर्ज खलीफा ऐड हो, हमारा दुबई मॉल का ऐड हो, या फिर हमारे हैदराबाद ऑफिस का हो, ना हर एक चीज आपने यहाँ पर अभी आज भी हमें बताई है, यहाँ पर शो किया है आपने अपनी नॉलेज को, गेन जो जितना किया है आपने हमें दिया है नॉलेज आज फिर से, तो सच में सर आपका जितना धन्यवाद किया जाए बहुत कम है। आप भी हमारे एक वॉरियर हो, एक ऑन पैसिव के, जो इतने लोगों को आपने ज्ञान दिया है ना अपने यूट्यूब के जरिए, सच में बहुत लोगों ने सीखा है आपको देख के, आपको सुन सुन के लोगों ने ग्रो किया है ऑन पैसिव के अंदर, और बिल्कुल हम भी कोशिश करते हैं अगर आपको किसी सेशन में सुन ले तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो फिर जरूर हम आपको YouTube पर सुनने की कोशिश करते हैं, कि हर दिन आप जब भी हमारा कुछ भी न्यू अपडेट होता है वो भी आप हमें बहुत अच्छे से देते हो, और अक्सर सुनते हैं सर आपको, और आपके पास नॉलेज का भंडार है, वो क्यों है, क्योंकि आप इतने स्टार्टिंग से आप ज्वाइन हो, और आपने हर दिन जो भी नॉलेज हमें आश मुफारा सर की मीटिंग की हो, या जो भी हमारे बैक ऑफिस से जो भी नॉलेज आई है वो आपने ली है, और फिर आपने वो यहाँ पर हम लोगों को प्रोवाइड की है, तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर, और शुक्रिया करती हूँ, और आगे भी हम आपको ऐसे ही सुनना चाहेंगे मंच पर, हर एक मंच पर, और आपकी बिटिया बहुत प्यारी है सर, बहुत बहुत क्यूट है, बहुत अच्छी लग रही है, तो थैंक यू आपने इनको भी आज कैमरा में लाया सर, हमें इनसे भी मिलने का मौका मिला, यस आपका बेटा है, बिटिया है, बहुत प्यारे हैं सर, और बिल्कुल मैं भी यही कहूंगी कि हमने भी, मैं भी अभी 2 साल से ऑन पैसिव को ऑन पैसिव में हूँ, तो हमने बहुत ग्रो किया है सर ऑन पैसिव के साथ, और हमने अपनी ऑन पैसिव को बहुत ग्रोथ करते हुए देखा इन 2 सालों में, इवन के बहुत सारे ऑफिस मेरे आने के बाद हुए हैं, बहुत सारे कोलैबोरेशन रजिस्ट्रेशन हमारी कंपनी ने किए हैं, इवेंट्स बहुत सारे हुए हैं मेरे आने के बाद, तो वो ये जो सारी चीजें हो रही हैं तो ये ऐसे ही नहीं हो रही हैं, एवें नहीं हो रही हैं, है ना, और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्या हो रहा है कंपनी में, कुछ नहीं हो रहा है, पता नहीं उनके पास वो नजरिया नहीं है देखने का, या वो देखना चाहते नहीं है, या फिर क्या उनका प्रॉब्लम है, या फिर उनका फोकस एक ही चीज पर है कि एप्पल्स कब आएंगे, है ना, सभी को नो डाउट एप्पल चाहिए यहाँ पर, सभी को सर्वाइव कर रहे हैं आज अपनी लाइफ में, और इन्हीं जो जितना भी हम लोग अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, या सेक्रीफाइस कर रहे हैं, या सर्वाइव कर रहे हैं, उसी को लेकर जो ऑन पैसिव हमारे ऐश मुफारा सर जो आ रहे हैं, लेकर आ रहे हैं हमारे लिए, कि हम लोगों ने आज तक जो भी फेस किया है वो आगे ना हमें करना पड़े, हमारे जनरेशन को ना करना पड़े, और जब वो इतनी बड़ी बात वो करते हैं तो उसके लिए बहुत बड़ा कुछ लाना पड़ेगा ना, भी आना पड़ेगा, तो उसी पर काम हो रहा है, और कुछ लोग समझने को रेडी नहीं है, तो हम उनका कुछ नहीं कर सकते हैं, हाँ वो सब कुछ देख रहे हैं, इतने सारे मीटिंग्स चल रहे हैं, इतने सारे हमारे मेंटर्स, हमारे ग्रेट लीडर्स, हमारे ऐश मुफारा सर जब भी आते हैं इतने पॉजिटिव होते हैं वो हर एक बात को लेकर, क्यों होते हैं, क्योंकि उनको दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है क्या हो रहा है कंपनी में और क्या देने जा रही है कंपनी हमें, लेकिन वो लोग नहीं देखना चाह रहे हैं, तो शायद उनके पास वो नजरिया नहीं है देखने का, या फिर
बहुत ही ज्यादा वो परेशान है, क्या कह सकते हैं, है ना। तो बिल्कुल सभी के सपने यहाँ पर पूरे होने वाले हैं, बहुत कुछ मिलने वाला है यहाँ से हमें। बस अभी अपने आप को हमें वैल्यू क्रिएट करना है, अपने आप को अपडेट करना है, सीखने में टाइम देना है। जितना टाइम हमें है, जितना टाइम हम अपने ऑन पैसिव को दे उतना कम है, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ है सीखने के लिए। और ये इतनी जल्दी सब कुछ सीख भी नहीं पाएंगे, बस इसे हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहना होगा, सीखते रहना होगा। तो थैंक यू सो मच जावेर सर, आपने एक एक चीज हमें यहाँ पर शो की है, और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और आगे भी हम ऐसे ही आपको सुनना चाहेंगे सर। थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट मैं हमारे कुलवंत सिंह सर को देख पा रही हूँ, सो मोस्ट वेलकम सर, आप मंच पर आए और अपना वैल्यूएबल फीडबैक दे सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू भैया जी, जो बोलने का मौका दिया बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन शानदार होस्टिंग के लिए, और आपने बहुत शानदार अपनी बातें रखी। और ओपी इनिट टू विनिट के इस मंच पर मैं सबसे पहले हमारे इस मंच के क्रिएटर गौतम सर और सुपर्णा मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ काफी अच्छा हमें सीखने के बहुत सी चीजें मिलती हैं, और हम काफी अपनी बातें यहाँ शेयर कर सकते हैं। और आज हमारे बीच में हमारे छोटे भाई जावेर जाफरी सर हैं, तो उनको भी मेरा नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद भी। उन्होंने आज बहुत शानदार तरीके से अपने ऑन पैसिव के बारे में और इसके जो है ओकनेट के बारे में काफी अच्छी चीजें बताई। बिल्कुल आज का जो टॉपिक है ग्रो विद ऑन पैसिव, देखिए दो वीडियो से शुरू हुई 2018 में ऑन पैसिव, आज 5-5.5 साल के अंदर एक बहुत बड़ा कॉरपोरेट सेक्टर बन चुकी है, जिसके अंदर की देखो भी हम कभी कभी हमें सपने में भी सोचा था भी ऐसी कंपनी के हम एक फाउंडिंग मेंबर होंगे। और वास्तव में एस सर ने हमेशा ही कहा है कि मैं ऑन पैसिव को बिल्कुल विद हार्ट विद लव बना रहा हूं मैं, और बिल्कुल जो दिल से चीजें बनती हैं, प्यार से चीजें बनती है ना, उनकी कोई कीमत नहीं होती है। और वास्तव में ऑन पैसिव हमारी भावनाओं के साथ जुड़ चुका है, मैं तो इसको कहूंगा बिजनेस ऑफ फीलिंग्स, ये हमारी भावनाओं का बिजनेस एक है, क्योंकि हम इतना इससे हैं कि हम ऑन पैसिव के बारे में गलत कोई बात सुन ही नहीं सकते हैं। और इसने हमें इतने ग्रो किया है इन पिछले, हम जब से जुड़े हैं, मैं 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ लगभग, विजय मैम के साथ ही लगभग जुड़े हैं हम, पास ही, तो हमने यहाँ अपने कॉन्फिडेंस लेवल को, हमारे एटीट्यूड को, हमारी पर्सनैलिटी को, और हमने अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग किया है। अब हम ऑन पैसिव के बारे में नए नेगेटिव बोलते हैं और नए नेगेटिव सुनते हैं, क्योंकि हमें ऑन पैसिव का विजन और मिशन समझा है हमने, ऑन पैसिव को हमने ऐश मुफारे सर को समझा है। और देखो जो चीजें दिल से बनती है ना, बिल्कुल वो उनमें ग्रोथ होगी होगी और वो सक्सेस होगी होगी। और बिल्कुल मैं तो कहता हूँ, सभी से कहता हूँ ऑन पैसिव को बिल्कुल पूरे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, डेडिकेशन के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ समझिए और इसको करिए, बिल्कुल 100% और इसमें सक्सेस मिलेगी। और हमें अगर ग्रो करना है तो हमें ऑन पैसिव की जानकारी रखनी होगी, इसके प्रोडक्टों की जानकारी, हमें कोई डीपली जाने की जरूरत नहीं है। ऑन पैसिव क्या है तो समझ लो, इसके प्रोडक्ट कैसे काम करते हैं इसको समझ लीजिए, और बस बिल्कुल। और ओकनेक्ट जो अपना आया है वास्तव में माइंड ब्लोइंग फीचर्स के अंदर है, और अभी तो इसमें 2-3 फीचर और जुड़ने वाले हैं, जैसे लैंग्वेज ट्रांसलेशन का और भी है काफी, तो बहुत ही बहुत बड़ा होने वाला। और वास्तव में ये बिल्कुल मैं कहता हूं अगर इस 2024 के अंदर ये अगर आगे सारे बिल्कुल वो इसके सारे जो फीचर रेडी हो गए, तो वास्तव में 1 साल बाद में बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा जो वर्चुअल अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल के अंदर। जैसे जावेर सर ने भी कहा है कि बिल्कुल ये टॉप 10 के अंदर 5-7 टॉप कंपनियों के अंदर पहुंच सकता है, बिल्कुल बहुत अच्छा। तो थैंक यू विजय मैम जो बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बस सभी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ और पेशेंस के साथ, ऑन पैसिव के साथ, एस सर के साथ चलते रहिए, सफलता निश्चित है। थैंक यू वेरी मच जो मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच कुलवंत सर, थैंक यू सो मच आपकी वैल्यूएबल फीडबैक और वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए। सच में हमारे कुलवंत सर भी एक बहुत ही डेडिकेटेड पर्सन है, और हम इनको भी देखकर बहुत ही सीखते हैं इनसे। और एक कहते हैं ना, जैसे परिवार में फैमिली में एक बड़े होते हैं और उनका आशीर्वाद जब होता है तो सारी फैमिली ग्रो करती है, तो हमारे कुलवंत सर का आशीर्वाद है और हम इनको सीखकर इनको सुनकर आगे बढ़ रहे हैं। तो थैंक यू सर, ऐसे ही अपना आशीर्वाद हम सभी पर बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच सर। और नेक्स्ट मैं सरिता मैम को मंच पर इनवाइट करती हूँ, सो मोस्ट वेलकम मैम, आप आए और अपना वैल्यूएबल फीडबैक दें मैम, मोस्ट वेलकम।
थैंक यू सो मच विजय जी मंच पर आमंत्रित करने के लिए. और फर्स्टली हमारे मंच जो इनिट टू विनिट मंच के हमारे ऑर्गेनाइजर, होस्ट, को होस्ट एंड ऑल पैनलिस्ट एंड आज के हमारे प्रेजेंटर सभी को मैं नॉन पैसिव नमस्कार. और यस, जावेद जाफरी सर को हम ऑलरेडी यूट्यूब पर भी सुन रहे हैं एंड बहुत सारे वेबिनार्स में भी सुन रहे हैं, बट ज्यादातर मैंने अगर कहूँ मैं अपनी बात करूँ तो मैंने टीम चैंपियन पर उनको सुना था. आज के टॉपिक के ऊपर हमारे सर ने देखिए सारी बातों को इन्होंने बताया कि ऑन पैसिव ने लगभग 2018 से लेकर के आज अभी जो हमारा चल रहा है करेंट सिनेरियो जो 2024 यहाँ तक पूरा जर्नी उन्होंने बताया और हम सभी ने भी कितना ग्रो किया उसके बारे में भी बताया. लेकिन जो दो पॉइंट मुझे हिट किया ना उनका उन्होंने जो अपनी शेयरिंग में बताया, एक जब वो हैदराबाद ऑफिस में विजिट किए थे लगभग 10 से 12 उन्होंने कहा कि फाउंडिंग मेंबर्स है जिनमें हमारे गुस्मिंदर डिलन सर भी थे. ये बात जो उन्होंने बताई ना इससे क्या होता है कि ये एक इफेक्ट डालती है. कोई भी पर्सन अगर कहते हैं ना कि देखिए कंपनी तो यूएसए की है, हमें तो पता नहीं कि हमने तो कंपनी को देखा नहीं है, हमें तो पता नहीं है कि फॉरेन बाहर की कंपनी है, पता नहीं है कि नहीं है, आएगी कि नहीं आएगी. लोगों के मन में ना उनके तो शंका होती है जो फाउंडिंग मेंबर नहीं है, बट जो फाउंडिंग मेंबर है उनके मन में भी वो शंका पैदा करते हैं. अदर्स लोग की बात कर रही हूँ जो नेगेटिव बोलते हैं, तो ये चीजें ना उनके मन में एक पॉजिटिवनेस डालती कि यस जिनको हम डेली सुन रहे हैं, जिनको हम डेली देख रहे हैं ना, वो पर्सन वहां जाने का उनको मौका मिला है और वो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर रहे हैं. जैसे दुबई में भी हमारे बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स हैं जो लाइव हमें वहां पर दिखाते हैं. अभी लेटेस्ट देखे कल ही हमें एक वीडियो मिला, हमारे अमित सर एक हैं जो कि दुबई में वहां पर विजिट किया उन्होंने और वहां का उन्होंने बताया पूरा, वहां का पिक्चर उन्होंने दिखाया. तो एक मन में जो बोलते हैं ना एक कॉन्फिडेंट बिल्ड भी होता है. एंड सेकेंड जो उन्होंने बताया कि हमारे मिस्टर मुफारे जो कभी इंडिया विजिट नहीं किया, उन्होंने कभी हैदराबाद ऑफिस में विजिट नहीं किया, बट फिर भी एक डिजिटली उन्होंने किस तरीके से अपना कंट्रोल बनाया हुआ है, किस तरीके से वो ऑपरेट कर रहे हैं चीजों को, ये भी तो माइंड ब्लोइंग है. इससे भी तो हम समझ सकते हैं ना कि एक सॉरी मेरा लाइट चला गया है. तो यस, इससे भी हम ये सोच सकते हैं कि हमारी कंपनी किस लेवल पर वर्क कर रही है, किस तरीके से वर्क कर रही है, ये हम सोच भी नहीं सकते, ये हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं. सोचिए एक दूर दराज में बैठा हुआ पर्सन जब वो एक ऑफिस को ऑपरेट कर सकता है, तो आप ये सोचिए कि आज आप अपने घर पर रह करके, अपने कंफर्ट जोन पर रह करके, जो आप कमेंट के माध्यम से कुछ भी कंपनी के बारे में अगर बोल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो आप क्या सोचते हैं, क्या आप तक वो नहीं पहुंच पाएंगे. हमारी कंपनी का जो टूल है ओ ट्रैकर, जिसको ले करके आज इतना वर्क किया जा रहा है. अभी हमारा जो लेटेस्ट इवेंट हुआ दुबई में 5-7 मार्च को, जो हमारा वर्ल्ड पुलिस समिट हुआ था, वहां पर अगर कहे तो यस ओ ट्रैकर जिसको पुलिस यूज कर सकती है, तो ये आप हम बिलीव कर सकते हैं. रियली इट्स माइंड ब्लोइंग है. एंड ग्रोथ की बात अगर करें तो देखिए हम सभी ने तो ग्रोथ किया ही है, नो डाउट. मैं विजय जी की बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि मुझे मेरा भी लगभग 2 ईयर ही हुआ है. अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स हैं जिन्हें लगभग 4-5 साल ऑलरेडी हो चुका है, बट फिर भी अगर आप उनसे पूछोगे ना कि भाई आप ऑन पैसिव के बारे में क्या जानते हो, हमारी कंपनी का जो 3 फ्री टूल हमें मिला है, क्या आप उसके फीचर के बारे में जानते हो, क्या कभी आपने ओकनेक्ट पर मीटिंग का लिंक बनाया है, क्या कभी आपने ओकनेक्ट को ऑपरेट करके देखा है कि किस तरीके का टूल है. नहीं फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स अभी हमें मिलने वाले हैं जिन्होंने आज तक तो कभी झांक करके देखा नहीं. इवन अगर मैं अपनी बात करूं तो देखिए मैंने भी यहाँ पर जब एंटर किया था तो लगभग 4-5 मंथ मैंने भी नहीं देखा था, बट उसके बाद मैंने खुद ने विजिट किया, मैंने खुद ने इस चीज पर इंटरेस्ट दिखाई और जब दिखाना शुरू किया ना, रियली इट्स माइंड ब्लोइंग. यही तो है जब हम कोलकाता मेगा इवेंट में मिले और उसके बाद जो हमारा जो एक रिकॉग्नाइज हुआ, एक जो हमारी वैल्यू बनी, एक जो हमारा जो एक बोलते हैं ना रिस्पेक्ट जो हमें वहां मिली, ये माइंड ब्लोइंग था. क्योंकि वर्चुअली हम सभी मिल रहे थे, जब फिजिकली हम मिले ना
वो एहसास हमें वहां जा करके हुआ कि जो हमारे अंदर जो एक फीलिंग थी, जो हमारा जो फैमिली का जो ये एक बाउंडिंग जो बना ना, वो वहां पर एक महसूस हुई। और ये चीजें ना सिर्फ महसूस करके हम बता सकते हैं, फीलिंग करके हम बता सकते हैं, इसे आप कभी दिखा नहीं सकते। तो ये रियली माइंड ब्लोइंग था। थैंक यू सो मच जावेद सर, थैंक यू। मैं बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ बट लेकिन हमारे और भी पर्सन है, सभी को मुझे सुनना है, लेकिन हम आपको दोबारा जरूर सुनेंगे। थैंक यू सो मच एंड ओवर टू विजय जी। सरिता जी, इनको मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। सरिता जी के बारे में थोड़ा बोलना चाहूंगा। अभी इन्होंने शायद एक वीडियो बना के शेयर किया था, तो मैंने नॉर्मली करता बहुत कम हूँ, तो उनका भी वीडियो मैंने शेयर किया था अपने ग्रुप में व्हाट्सएप से। बहुत अच्छा था वो कनेक्शन। उन्होंने एक बात बहुत अच्छी बोली है, तो वाकई में सही है कि कई लोग ऐसे हैं जिनको 5-5 साल ऑन पैसे में हो गए लेकिन उनको डेले का भी नॉलेज नहीं, मतलब नॉलेज है ही नहीं। तो मेरे पास ऐसे कई लोग हैं जो फोन करते हो समय में पूछता हूँ कि ये हो रहा सर कैसे करो। बोले सर मुझे 5 साल हो गए। मैंने भाई मुझे 5 साल हो गए तुमको ये बारे में नहीं पता है, तो फिर आप कैसे पैसे कब आएंगे? तो वो एक्टिव ही नहीं था बंदा। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे यानी कि आप बहुत पुराने होते हैं, इसका मतलब हो गया कि आपके पास बहुत नॉलेज है। सरिता जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि 2 साल से लेकिन नॉलेज रखती है, तो ये एक्टिव है। तो आप वही बात होगी ना, आपकी उम्र हो गया है, आप ऐसे काम करते हैं उसमें आप मतलब एक्टिव है, वो ज्यादा मायने रखता है। तो ये अच्छी बात लगी इनकी। थैंक यू, थैंक यू सो मच जावेद सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सरिता मैम, थैंक यू सो मच जावेद सर। और बिल्कुल सरिता मैम, आपकी शेयरिंग माइंड ब्लोइंग सुपर्ब। हमेशा ही आप बहुत एक्साइटेड रहते हैं और एक्टिव रहते हैं ऑन पैसिव के अंदर, और हम कहीं ना कहीं हम भी आपसे बहुत कुछ सीखते हैं सरिता मैम। सो थैंक यू सो मच आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। और नेक्स्ट मैं गायत्री जोशी मैम को देख पा रही हूँ मंच पर, सो मोस्ट वेलकम गायत्री मैम, आपका मंच पर स्वागत है। आप आए मैम और अपना वैल्यूबल शेयरिंग रखें और फीडबैक दें मैम, मोस्ट वेलकम। गायत्री जोशी मैम, अगर आप तक मेरी वॉइस जा रही है तो मोस्ट वेलकम मैम। ओके, शायद मैम को कुछ नेटवर्क इशू हो सकता है। सो नेक्स्ट मैं स्वरूप सिंह रॉय जी को देख पा रही हूँ, सो मोस्ट वेलकम स्वरूप जी, आपका मंच पर स्वागत है। आप आए और अपना वैल्यूएबल फीडबैक दें सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। आई होप मेरा वॉइस सही से आ रहा है विजय मैम। यस सर, यस सर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, बहुत जबरदस्त आप होस्टिंग कर रहे हैं, मतलब कितना मैं फॉलो करता हूँ आपको, कि आप कितना फ्लॉलेसली बोलते हैं अच्छी तरीके से, तो आपसे भी सीखता हूँ। तो थैंक यू मुझे बुलाने के लिए, एंड गुड इवनिंग सभी को। मेरा नाम शौरभ सिंह राय है, सिलीगुड़ी से, वेस्ट बंगाल। एंड आज ये जो प्लेटफॉर्म है हमारा, जो ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है एक्चुअली, ओपी टीम इन इट टू विन इट का जो ये वेबिनार डेली बेसिस चल रहा है, उनके पीछे जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं गौतम सर, सुपर्णा मैडम, शिवम, एंड यहाँ पर जो पैनलिस्ट होस्ट को होस्ट प्रेजेंट है। एंड यूट्यूब से मैंने सुना अभी शिवम बोल रहा था कि 200 व्यूज लगभग क्रॉस हो चुका है, जो कि अच्छी बात है, मतलब लोग देख रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहा है, क्योंकि अभी वो टाइम भी है इंटरेस्ट लेने का भी। सो एनीवे, जो सभी आज इस मीटिंग पे है, तो सभी को नमस्ते। एंड स्पेशली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जावेद सर का जो जावेद सर आज आए, इतना इन्फॉर्मेशन शेयर किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इतना सारा इन्फॉर्मेशन जब वो अपना जर्नी स्टार्ट किए थे इस ऑन पैसिव में, तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो भी हम लोगों को इन्फ्लुएंस किया, मोटिवेट किया। मैं भी सर का ही वीडियो पहले मतलब जो यूट्यूब में वीडियो होता था, मैं भी सर का ही वीडियो देखता था पहले। अभी तो बहुत कोई यूट्यूब वीडियो क्रिएट कर रहा है, तो सर का बहुत बड़ा हाथ है, मतलब एज अ पायोनियर रिगार्डिंग ऑन पैसिव का जो ये वीडियो हो रहा है, सभी इनिशिएटिव लेके कुछ ना कुछ कर रहा है यूट्यूब में, तो सर का बहुत बड़ा यहाँ पर कंट्रीब्यूशन है। तो थैंक यू सर, आपका वैल्यूएबल शेयरिंग मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आज का जो टॉपिक है एक्चुअली ग्रो विथ ऑन पैसिव, ये मतलब डेली बेसिस, मैं पहले भी राइज एंड शाइन में जो वेबिनार होता था वहां पे मैं बोलता था कि ऑन पैसिव एक ऐसा कंपनी है, ये ऐसा एक मिशन है कि आज
कुछ लेके बात किया, तो आने वाले नेक्स्ट वीक में कुछ दूसरा ही टॉपिक हमारे पास रहता है बात करने के लिए। इतना सारा अपडेट्स रहता है, कंपनी इतना ग्रो कर रहा है, और आज विजय मैम भी बोला, सरिता मैडम ने भी बोला कि ऐसा बहुत कोई है जो अभी भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। कोलकाता मेगा इवेंट भी हो चुका है, मतलब फिजिकली ये मीटिंग का एजेंडा नॉट ओनली इन मतलब एंगेज करके एक मतलब ये सब करना भी नहीं था, ये सब करना डेफिनेटली था, लेकिन इससे एक मैसेज गया कि कंपनी एक्टिव है, कंपनी में बहुत कुछ हो रहा है। ऐसा मतलब जब इवेंट चल रहा था तो मैं देख रहा था वहां पर बैठ के कि मतलब जायंट स्क्रीन पे ओकानेट वहां पर लाइव हो रहा था, मतलब इतना बड़ा स्क्रीन पे हम लोगों को भी पहले देखने को मौका मिला कि ओकानेट वहां पर हो रहा है। तो बहुत कोई तो फीचर्स ही क्या है उसमें, कैसे क्या होता है वो भी मतलब नहीं मालूम किसी को। सो वो देखने को मिला, जो फाउंडर्स जो फाउंडिंग मेंबर्स 2000 मेंबर्स वहां पर गए थे, मैं श्योर हूँ यहाँ वहां पर कोई कोई था मतलब 10% तो ऐसा होगा जो ओकानेट को यूज ही नहीं किया, मतलब खुद से मीटिंग अरेंज करके कुछ नहीं किया, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। तो ये जो डेली बेसिस हो रहा है ऑन पैसिव में, रिसेंटली सरिता मैडम ने मेंशन किया कि वर्ल्ड पुलिस समिट 5th to 7th March हुआ, वो उसका वीडियो हमारे पास आता है, मतलब आ रहा था, हम लोग देख रहे थे। तो ये हमारे लिए फॉर्चुनेट, मतलब हम लोग फॉर्चुनेट है। अभी रिसेंटली अगर हम लोग बात करते हैं कि अभी हम लोग जहां पर ये मीटिंग कर रहे हैं, इसको भी एक बार एट ए ग्लांस अगर हम लोग देखेंगे, ये जो मीटिंग अभी हो रहा है एंड लास्ट 2 weeks अर्लियर जो ऑन पैसिव का मतलब ओकानेट मीटिंग होता था, यूट्यूब में आपको मिल जाएगा, तो आप थोड़ा कंपेयर करके भी देख सकते हैं कि कितना एडवांस हो चुका है हमारा ये ओकानेट, ये जो इंटरफेस जिसके अंदर हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि बहुत कुछ फीचर्स। शिवम रिसेंटली बहुत बढ़िया एक प्रेजेंटेशन उसके ऊपर आधा घंटा का रखा है। तो जो भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो भी यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स हैं अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, अवेलेबल है, आप लोग ग्रुप में है तो आपको मिलता है, वो जाके देखिए, बहुत मेहनत करके वो क्रिएट किया है। तो वो देखने के बाद हम लोग खुद नेट का मीटिंग अरेंज कर सकते हैं। ये जरूरी है कि मेरा आईडी से मीटिंग जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं अपने आप ही कर सकता हूँ, मेरे पास कोई पार्टिसिपेंट आने वाला नहीं है, तो मैं घर में अगर दूसरा आईडी है तो उसको घुसा कर सकता हूँ, या फिर खुद उस पर घुस के कुछ अपने आप सीख सकता हूँ। तो ये भी सेल्फ इनिशिएटिव है ताकि मुझे एवरी फीचर्स के बारे में पता चले कहाँ पर। ये देखिए, मैं उस टाइम पे पिछले जब सेशन रियल टाइम डेटा एनालिसिस का चल रहा था मेरा सेशन, वहां पर मैं भी कुछ टाइम के लिए वो ढूंढ नहीं पा रहा था। मुझे पता था कि उसमें वो शेयरिंग ऑप्शन है, लेकिन कुछ टाइम पे ऐसा होता है। तो डेली अगर हम लोग करेंगे वो, मतलब उसको लेके यूज करेंगे, तो हम लोगों को भी देखने को मिल जाएगा, हम लोग भी सीख पाएंगे। तो यही है ग्रोथ। ऑन पैसिव ग्रो कर रहा है, लेकिन हमें भी ग्रो करना जरूरी है विथ ऑन पैसिव, वरना हम लोग पीछे चले जाएंगे। तो मतलब बहुत पीछे चले जाएंगे, कंपनी बहुत मतलब 5G 6G 7G जितना भी आप स्पीड अभी जैसे हम लोग बात कर रहे हैं वो रॉकेट के स्पीड से चल रहा है, तो हमें तो एटलीस्ट मतलब कार्गो एरोप्लेन के स्पीड से तो चलना चाहिए ना, उतना स्पीड से तो हम लोग नहीं जा सकते, लेकिन हमें फ्लो में रहना चाहिए। तो मीटिंग में आने से हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलता है, सभी को मिलता है, तो इस मीटिंग को भी हमें प्रमोट करना चाहिए एंड इन्फॉर्मेशन कंटिन्यूअसली गैदर करना चाहिए। सो दैट्स ऑल, सब बहुत बढ़िया कर रहे हैं मैडम, विजय मैडम बहुत अच्छी होस्टिंग को होस्टिंग कर रहे हैं। थैंक यू सो मच एंड ओवर टू यू मैडम। थैंक यू सो मच सबूत जी, थैंक यू सो मच आपके वैल्यूएबल शेयरिंग और वैल्यूएबल फीडबैक के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम आपसे भी बहुत कुछ सीखते हैं, आप हमारे यूथ हैं ऑन पैसिव में और बहुत सारे टेक्निकल सेशन हमें देते हैं, तो उसके लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ, और आपका वैल्यूएबल फीडबैक रहा उसके लिए भी आपका धन्यवाद। और नेक्स्ट मैं राधे चूटे सर को देख पा रही हूँ अपने मंच पर, सो मोस्ट वेलकम राधे चूटे सर, आपका मंच पर स्वागत है सर, आप आए सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू विजय मैम जी मुझे इनवाइट करने के लिए, और बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपका, इस मंच के क्रिएटर हमारे गौतम सिंह सर जी और सुपर्णा मैम, वैसे ही आज आपकी होस्टिंग देख के मैम दिल गदगद हो गया, बहुत ही जबरदस्त आपका जो दिल से बोलते हो मैम,
दिल से बोलता हूँ कि बहुत ही जबरदस्त आप में जो टैलेंट है और जो नॉलेज है अनपेशू का, उसे सलाम है। और सभी को अनपेशू नमस्कार। मैं राधे चूटे महाराष्ट्र गोंदिया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। और आज के हमारे जवीर सर जो आज के हमारे प्रेजेंटर है, उन्होंने एक एक जो एक्टिविटी हम देख पा रहे हैं अनपेशू के अंदर, जब से गो फाउंडर था वहां से चीजों उन्होंने स्टार्ट की और पूरी जनरी जो बताया हमको और वो अपनी एक्टिविटी, क्योंकि मेरा मानना तो यही है कि 2 या 3 साल पहले जो भी आया और जो जहीर सर को जानता नहीं है वो एक्टिव फाउंडर हो ही नहीं सकता। क्योंकि हम जब फर्स्ट टाइम मतलब हमारे स्टार्टिंग के दिन थे तब हम जहीर सर को देख पा रहे थे और मुझे ऐसे लगता है कि वो जो यूट्यूबर बने हैं अनपेशू में एकदम बहुत काबिले तारीफ, उन्होंने हमें नॉलेज दिया है, हम उन्हीं को सुनते थे। फर्स्ट टाइम मैं जब आया तो जहीर सर को सुना और एक दो थे, बट ज्यादा यहाँ अनपेशू की कोई अपडेट नहीं देता था। आज तो भरे पड़े हैं बहुत, कोई भी आता है यूट्यूब पे अपना मतलब एक कॉन्टेक्ट क्रिएट कर लेता, कोई भी थंबनेल लगा लेते हैं। और जैसे हमारे जो रीसेलर बन रहे हैं, हम जो बना रहे हैं अपने एफिलिएट लिंक से, तो उनको हम बता दे कि हम जो यूट्यूबर को देखते हैं, जैसे जवीर सर हो गए, वैसे भी हमारे भी और भी है 2-4 जो जिनको हम मानते हो और अच्छी न्यूज भी देते हैं और सटीक एक्टिव है वो, बट आजकल हम देखते हैं कि कोई भी यूट्यूबर बन के कोई भी थंबनेल लगा के मतलब एप्पल की नहीं या अर्निंग की बातें करता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। जब भी हम अपने यूजर बनाएंगे तो उनको एक बात जरूर बोलेंगे कि आपको किन से यूट्यूबर को फॉलो करना चाहिए, तो हमें अच्छा भी होता है, उससे बढ़िया हम अपने जो बेकअप इसकी न्यूज पढ़े या तो हम जो हमारी कॉरपोरेट वेबिनार में या जो भी हमारे सर 360 में आए वहाँ पे उनको एंगेज करने को बोले तो बहुत ही अच्छा लगता है। टोटल आज सभी की शेयरिंग बहुत ही अच्छी हुई है और सुन के मुझे तो ऐसा लगा कि 2018 से अभी तक की पूरी मुझे अपडेट मिल गई, तो दिल से धन्यवाद मैम। थैंक यू और टीम मैम। थैंक यू सो मच राधे चुटे सर, आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी नॉलेज को भी मैं सलाम करती हूँ सर, आप बहुत नॉलेज रखते हैं ऑन पैसिव को लेकर और सच में हम बहुत सारे मंच पर आपको सुनते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं आपसे। थैंक यू सो मच सर, आप सेशन में हो हमारे साथ, ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है। थैंक यू सो मच सर, ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। और नेक्स्ट मैं एक हैंड रेज देख पा रही हूँ अरविंद कुमार जी का, सो मोस्ट वेलकम सर, आप आए और अपना अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप आकर पुट कर सकते हैं सर। मोस्ट वेलकम अरविंद जी। अरविंद कुमार जी मोस्ट वेलकम है आपका मंच पर सर, आपका हैंड रेज है। जी जी मैम, यस यस सर, थोड़ा सा लहरा रही है आपकी वॉइस। यस सर, आवाज आ रही है क्लियर मैम? यस अभी आ रही है सर, कंटिन्यू सर। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपने जो मुझे पैनल पर बोलने के लिए। और सबसे पहले मैं जाफरी सर को धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि इस ओन पैसे परिवार में उनकी बदौलत आज बहुत सारे लीडर यहाँ। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो गई है अरविंद सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही है सर। अरविंद सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है सर हमें। तन्मय जी को ले लीजिए, उनका हैंडरेस था। ओके जी जी, सो अरविंद सर की वॉइस नहीं हम तक पहुंच रही है, तो कोई बात नहीं, हम उनको फिर से सुनेंगे। यस सर आ रही है, सर आ रही है। जी जी आ रही है सर। वो मैम थैंक यू मैम। मैम आज आपने पैनल पर मुझे बोलने के लिए जी जी हाँ, तो आज आपने मुझे जो बोलने के लिए मौका दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज इस ओन पैसे परिवार में अभी जाफरी सर ने बहुत अच्छी यहाँ नॉलेज दी और ये आज से नहीं बहुत पहले से देते चले आए। और जब हम रात को स्टार्टिंग जब हमारी हुई थी तो उस टाइम पे भी हम सर को बहुत सुनते थे
और जैसे इंद्रेश मोदी सर थे, ये सर थे, और इन सभी को सुन सुन के आज हमने ऑन पैसिव के सिस्टम पर इस तरह से जानकारी हमें हासिल होती रही और इसकी हमें ऑन पैसिव की जानकारी मिलती रही, क्योंकि ये जो मीटिंग वगैरह है आज अभी जो सर ने बताया था बहुत अच्छी बात बताई थी कि बहुत सारे लोग मीटिंग वगैरह लेते नहीं है और दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति सिस्टम पर ऑन पैसिव में मीटिंग वगैरह अटेंड करते रहेंगे, सीखते रहेंगे, तो वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकते हैं। और बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे लीडरों को भी नेगेटिव कर देते हैं क्योंकि वो खुद तो सीखते नहीं है और उल्टे सीधे लोगों को यूट्यूबरों की बातें सुन सुन के उल्टी सीधी बातें करना, ये लोगों को डिमोजलाइजेशन करते रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति सिस्टम पर जो ऑन पैसिव में लगातार मीटिंग वगैरह सुनते रहते हैं वो इस तरह की दिक्कतों से दूर रहते हैं। और मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा जाफरी सर को, क्योंकि इनकी मीटिंग वास्तव में बहुत जबरदस्त रहती है। जब जब भी हमें कोई मतलब दिक्कत होती है तो यूट्यूब वगैरह पे भी ये सर बहुत अच्छे से नॉलेज देते हैं, और सर की नॉलेज बहुत सटीक होती है, सबसे बड़ी बात है। जो सही बात होती है वही सभी लीडरों के पास पहुंचती है, ये सबसे अच्छी बात है सर की। और हम बहुत सारे लीडरों को सुनते हैं और सभी को जो सिस्टम पर अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, ये कहते हैं ना कि जब सिस्टम जिस टाइम तैयार हो रहा था उस टाइम पे भी मीटिंग वगैरह होती थी, तो उस टाइम पे सर ने बोला भी था, उस टाइम पे बड़े बड़े लीडर बोलते थे कि इस टाइप के जो सिस्टम होते हैं उन सिस्टम को तैयार होने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हमारे साथ काम कर रही है, इस तरह के जो तैयार होते हैं प्रोडक्ट, उन प्रोडक्टों को तैयार होने में हमें 5 से 10 साल तक लग जाते हैं। जितने भी प्रोडक्ट इस तरह के तैयार हुए उनको दसियों साल लग जाती हैं जब जाके तैयार हो पाती है, लेकिन हमारे एस मुफर्रा सर की वजह से, क्योंकि मिस्टर एस मुफर्रा सर की जो मेहनत है वो वास्तव में तारीफ काबिल है, क्योंकि वो बहुत मेहनती है। इतनी मेहनत शायद मैं तो आज तक अपनी नॉलेज में अपनी जानकारी में ऐसे कोई व्यक्ति से नहीं, मैं मतलब जानकारी में कोई भी जो इतनी मेहनत करते होंगे, क्योंकि उनके पास में वर्ल्ड रिकॉर्ड तक है, क्योंकि एक बताते हैं कोई वर्ल्ड लेवल पे कोई वो हुआ था, कंपटीशन हुआ था AIT का, तो बताते मीटिंग में बात हुई थी, चर्चा हुई थी उस टाइम पर कि जो कंपटीशन में उसमें काम को कंप्लीट टारगेट जो दिया था वो 1 महीने का दिया था, लेकिन हमारे एस मुफर्रा सर ने वही टारगेट 3 दिन में पूरा किया था, 3-4 दिन में, क्योंकि वो टारगेट के प्रति इतनी ईमानदारी से इतनी सतर्कता से रहते हैं कि वो उनको जो अपना लक्ष्य दिखाई देता है, और यही उन्होंने इस ऑन पैसे परिवार में किया, हमारी ऑन पैसे फैमिली में। जिनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में नॉलेज नहीं है उनको तो हम कह ही नहीं सकते, लेकिन जिस किसी को भी नॉलेज थी, जो सिस्टम पर हमें बताते गए लोगों के बारे में और सिस्टम के बारे में इतने हमें सटीकता से नॉलेज देते गए, क्योंकि ये सिस्टम जिस टाइम स्टार्ट हुआ था उस टाइम लोग रात को इसको मीटिंग वगैरह लिया करते थे, तो हमें वास्तविक मानता हूँ ये जाफरी सर है, उनकी मीटिंग वगैरह रात को होती थी, इंद्रेश मोदी सर वगैरह भी मीटिंग करते थे, वास्तव में उनको आज याद करके बहुत हमें मतलब होता है, उनकी बहुत वैल्यूएबल मीटिंग हुआ करती थी। और आज हम वास्तविक बता रहे हैं कि आज जो है इस ओ कनेक्ट की जो हमारी सफलता सामने पे आ रही है, जो हमारा ओ कनेक्ट लाइव हुआ है, क्योंकि जिस टाइम हम जूम वगैरह पे या और किसी पर हम मीटिंग अपनी किया करते थे, जूम वगैरह पे मीटिंग करते थे, तो उस टाइम पे हमें लोग कहते थे कि सर आपका तो ओ कनेक्ट इतना जबरदस्त प्रोडक्ट आने वाला था कि उसमें मतलब आप अरविंद सर आपका नेटवर्क इशू हो रहा है, तो थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही वैल्यूएबल शेयरिंग हमारे बीच में रखी सर, आपकी वॉइस लहरा रही है, तो आप ऐसे ही कंटिन्यू सर आते रहिए सेशन में, हम आगे भी आपको सुनना चाहेंगे, बहुत नॉलेज रखते हैं सर आप ऑन पैसिव को लेकर, सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए, वैल्यूएबल फीडबैक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे मैं सभी से थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगी कि टाइम का थोड़ा सा ध्यान रखिए, हमारे बीच में बहुत सारे पर्सन हैं तो हम सभी का फीडबैक लेना चाहते हैं जावेद सर की प्रेजेंटेशन के लिए, तो थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट में तन्मय सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मोस्ट वेलकम तन्मय सर, आपका मंच पर स्वागत है सर।
ओके ओके सर ओके। अभी राजेश दास सर है हमारे बीच में, सो मोस्ट वेलकम राजेश सर, आप मंच पर आए और अपना वैल्यूबल फीडबैक दे सर, मोस्ट वेलकम। राजेश कुमार दास सर मोस्ट वेलकम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर, कंटिन्यू। मेरा आवाज मिल रहा है मैम? यस सर कंटिन्यू सर। थैंक यू वेरी मच मुझे बुलाने के लिए। सभी को राजेश दास का प्रणाम, होस्ट को होस्ट, जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ हैं और यूट्यूब में जो देख रहे हैं, सभी को बहुत नमन मेरा। बहुत अच्छा लगता है हमारा यूनिट टू यूनिट ग्रुप का जो वेबिनार, जो प्रोग्राम मीटिंग डे बाय डे जो ग्रोथ ले रहा है, इसके लिए दिल को बहुत तसल्ली मिलती है और बहुत ही खुश हूं मैं। इसके लिए ऑल क्रेडिट गोज टू सुपर्णा मैम, गौतम सिंह जी एंड शिवम बेटा, थैंक यू वेरी मच। और विजय मैम, आपके लिए बोलूंगा, आप बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से को होस्टिंग करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बहुत सरल लैंग्वेज में बहुत ही टची होके सभी के साथ में प्रोग्राम चलाते हैं और इसका ये भी रीजन है जो हमारा ये प्रोग्राम बहुत सक्सेस हो रहा है। थैंक यू वेरी मच विजय मैम। और जाफरी सर के लिए मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा, उन्होंने बहुत ही कम समय में 5 साल का पूरा सिनेरियो हमें हमारे सामने ऑन पैसिव का रख दिया। ये होता है क्वालिटी, ये होता है इन्वॉल्वमेंट, ये होता है डेडिकेशन, ये उन्होंने हमें आज समझा के चला गया। थैंक यू जाफरी सर, थैंक यू वेरी मच। और ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं इतना ही बोलूंगा, ग्रोथ विथ ऑन पैसिव, ये ग्रोथ क्या कम है जो 5 साल 6 साल 4 साल से हम लोग जुड़े हुए हैं, डे बाय डे आगे बढ़ते जा रहे हैं विदाउट एनी इनकम। थैंक यू वेरी मच, ओवर टू विजय मैम। थैंक यू सो मच राजेश सर, थैंक यू सो मच आपके वैल्यूएबल फीडबैक के लिए और अप्रिशिएशन के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। और बिल्कुल आप सभी का प्यार है, आशीर्वाद है, जो हम लोग एक दूसरे को देख देख के आगे बढ़ रहे हैं, एक दूसरे से सीख रहे हैं, तो थैंक यू सो मच सर। और नेक्स्ट हमारे बीच में विश्वजीत रॉय सर हैं, मोस्ट वेलकम सर, आप मंच पर आए और अपना वैल्यूएबल फीडबैक दें सर, मोस्ट वेलकम विश्वजीत रॉय सर। थैंक यू विजय कुमारी मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले इस मंच के क्रिएटर सुपर्णा सिंह मैम, गौतम सिंह सर, होस्ट प्रेजेंटर जाफरी सर, बाकी को होस्ट अटेंडीज पार्टिसिपेंट सभी को मेरा प्रणाम। जाफर सर, आज का टॉपिक है गो विद ऑन पैसिव। तो ऑन पैसिव का ग्रो कैसे हुआ, इसका एक तस्वीर जाफर सर बहुत सुंदर तरीके से हम लोगों के सामने रखा। हाँ, उस टाइम का तस्वीर आंखों के सामने चलाया। जाफर सर से हम बहुत कुछ सीखे। आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ ऑन पैसिव में ज्वाइन होने के बाद, टेक्निकली बा अदर्स कोई प्रॉब्लम मुझे फेस करना नहीं पड़ा। इसकी थोड़ा सा क्रेडिट जाफर सर के जाता है बिल्कुल। 2022 में जब ओएस आया ऑन पैसिव में, तब ओएस में एंट्री करने के लिए कुछ आदमी बहुत गलती कर रहे थे। जाफर सर सभी को शानदार गाइड कर रहे थे, उसके बाद खुद ही अपनी आईडी को लिए माने लॉगिन ठीक से नहीं कर पाया, गलती हुआ उससे, ये भी हुआ है।
तब से मुझे लगा कि थोड़ा और कुछ जानना है और बेहतर तरीके से जानना है, तब से लेके आज तक जबरदस्त सर को मैं फॉलो करते आ रहा हूँ। थैंक यू और कुछ नहीं मैं कहूंगी, और एक बात कहूंगी मुझे को होस्टिंग का अपॉर्चुनिटी देने के लिए थैंक यू इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ सुपर्णा सिंह मैम को, गौतम सिंह सर को, तो पहली बार मुझे को होस्टिंग करने का मौका मिला। थैंक यू विजय कुमारी मैम, आपसे भी कुछ बहुत कुछ सीखते हैं, हर रोज सीखते हैं, आपका होस्टिंग का स्टाइल बहुत शानदार है, इतना ही शानदार तरीके से आपको होस्टिंग करते हैं, आपका क्या बोलू, बात करने का तरीका इतना स्वीट है, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू और कुछ नहीं कहूंगा, ओवर टू विजय कुमारी मैम। थैंक यू सो मच विश्वजीत रॉय सर, आपकी वैल्यूएबल फीडबैक के लिए और अप्रिशिएशन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, और ऐसे ही मंच पर आते रहिए और हम सभी एक साथ आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट हमारे बीच में विद्धि मनमोहन सर हैं, तो बिल्कुल हमें बहुत दिनों बाद उनको सुनने का मौका मिलेगा। सो मोस्ट वेलकम सर, आपका मंच पर स्वागत है, आप आए सर, हम आपको सुनने के लिए बेचैन हैं। मोस्ट वेलकम सर। विद्धि मनमोहन सर, अगर आप तक मेरी वॉइस जा रही है तो मोस्ट वेलकम सर। विद्धि सर शायद नेटवर्क उनका इशू हो गया है फिर से, तो कोई बात नहीं। जैसे विद्धि मनमोहन सर जो है इनका एक अच्छी बात है, मैंने देखा ये बहुत अच्छे जो पोस्टर बनाते हैं आपने देखा होगा सामने, और वो इतने खूबसूरत होते हैं, वो चलिए वो अभी ऐड नहीं हो पा रहे हैं, बट वो मैं उनसे भी बात करना चाहता था, बहुत अच्छे वो उनके जो पोस्टर होते हैं, बैनर होते हैं, वो इतने क्वालिटी वाले होते हैं कि मैं भी अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट जो है पोस्ट डालता हूँ, जैसा बच्चों का उन्होंने बनाया था वीडियो आपने देखा होगा, सॉरी एक पोस्ट बनाया था ऑन पे, बच्चे बैठे हुए ऑन पे से लिखा है, एक रॉकेट लॉन्चर बता रहे हैं और उसमें ऑन पे से लिखा है, इतने बढ़िया होते हैं कि मैं भी उसको अपने YouTube पे पोस्ट में डालता हूं। तो थैंक यू मनमोहन वद्दी सर, ये हमारे बहुत अच्छे प्राउड फाउंडिंग मेंबर हैं और ऐसे बढ़िया पर्सनालिटी को हम बिल्कुल सुनना चाहेंगे, अगर वो ऐड हो गए होंगे तो बिल्कुल मैं उनको सुनना चाहता हूं सर, कोशिश कीजिए आप भी। बिल्कुल बिल्कुल जावेद सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि उनके पोस्टर हम आजकल देख रहे हैं, वो बहुत एक्टिविटी कर रहे हैं पोस्टर को लेकर, तो हमें बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। बट अभी उनका थोड़ा सा मुझे लग रहा है नेटवर्क इशू के कारण वो बाहर हो गए हैं, तो जैसे ही वो आएंगे हमारे बीच में हम जरूर उनको इन्वाइट करेंगे। ये भी बोलूंगा कि जितने भी लोग हैं मनमोहन रेड्डी सर जो फेसबुक पे है और वगैरह जहाँ भी है सोशल मीडिया पे, उनको जरूर फॉलो कर लीजिए, तो क्योंकि वो जो है उनके जो पोस्टर होते हैं वो मतलब वो उस पोस्टर में ही सारी कहानी बयां कर देते हैं, उसमें लिखने की जरूरत नहीं है, बोलने की जरूरत नहीं है, तो उनके पोस्टरों को भी शेयर किया कीजिए, बहुत इन्फॉर्मेशन वाले होते हैं और आपको अलग ही दुनिया में ले जाते हैं, ऑन पैसिव की एक अलग दुनिया में ले जाते हैं, तो वो जिस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं यार मुझे भी बता देना, लेकिन वो आप ऑलरेडी बहुत अच्छा बनाते हैं तो मैं ज्यादा पूछूंगा नहीं इस बारे में, तो बिल्कुल उन्हें फॉलो कीजिए आप जहाँ भी फेसबुक वगैरह जहाँ भी। बिल्कुल सही कह रहे हो जावेद सर आप, बिल्कुल हम सभी उनको फॉलो करते हैं और सभी लोग उनको फॉलो कीजिए, क्योंकि वो एक ऐसे पर्सन हैं, उन्होंने स्टार्टिंग से ऑन पैसिव को जिया है और बहुत नॉलेज रखते हैं वो, बहुत उनसे हमको सीखने को मिलता है, और जब वो हमारे बीच में होते हैं ना तो हमें बहुत ही नॉलेज देते हैं और हमें मैंने एक एक्साइटमेंट आ जाती है हमारे अंदर उनको देखकर, तो बिल्कुल जैसे ही वो हमारे बीच में फिर से आते हैं तो मैं जरूर उनको सुनूंगी। अभी हमारे बीच में ओम प्रकाश जी हैं, तो एक छोटा सा बच्चा है, शायद उनके पापा है साथ में कि नहीं, बट मैं बुलाऊंगी। मोस्ट वेलकम ओम प्रकाश जी, आपका मंच पर स्वागत है। ओम प्रकाश जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मोस्ट वेलकम। My audible? Yes, yes, yes. Thank you, मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए, आज का सेशन बहुत ही अच्छा था और आपने जो बातें की है वो बहुत ही अच्छी थी, और मैं इतने बोलूंगा थैंक यू सो यस और नितुल। थैंक यू सो मच, बहुत क्यूट हो आप और आपकी वॉइस बहुत क्यूट है, और
हमें बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर, थैंक यू सो मच, ऐसे ही आते रहे मंच पर, थैंक यू बेटा, कीप इट अप, बहुत आगे जाओगे। विजय मैम, विजय मैम, विजय मैम, विजय मैम, ये भवेश माली और ये ओम प्रकाश माली, ये दोनों भाई है, ये लोग रेहान सरकार के मीटिंग में दोनों बैठते हैं और बैठते रहते हैं जब तक ये शेयरिंग नहीं करते हैं, माइक नहीं छोड़ते हैं। तो मैं बोलना चाहूंगा कि ओम प्रकाश बेटा, तुम हमारे इस मंच पे रोज आया करो। विजय मैम, सॉरी टू इंटरप्ट यू, उनका नाम क्या बताया? ओम प्रकाश माली ना? यस यस सर, यस ओम प्रकाश माली। बेटा आपको एक रिक्वेस्ट है कि आप रोजाना जरूर मंच पे आइए, लेकिन अपना पढ़ाई लिखाई करने के बाद और अपने पेरेंट्स के साथ। अब जब भी मंच में आइएगा अपने पेरेंट्स के साथ आइए, क्योंकि ये प्रोटोकॉल है, ये हमें एसआरसी मिला है, तो काइंडली इसे मेंटेन कीजिएगा। ओके, थैंक यू, ओवर टू यू मैम। सर सर आई यस सर आई सर मेरा नाम ओम प्रकाश माली है, मैं खाना खा रहा था, मेरा छोटा बेटा बैठा था, भावेश माली यही बोल रहा था। यस यस सर, सर काइंडली उनको रखिए, लेकिन आप साथ में रहिएगा। यस हाय बेटा, बिल्कुल बिल्कुल सर, हाय। और सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं नेक्स्ट भास्कर मंडल सर को ही मंच पर इनवाइट करती हूँ। सर मोस्ट वेलकम है आपका, आप आए और आज के सेशन पर फीडबैक दीजिए सर, मोस्ट वेलकम। मैम गायत्री मैम को एक बार बुला लीजिए। यस गायत्री मैम, अगर आप तक मेरी वॉइस जा रही है गायत्री मैम, तो मोस्ट वेलकम है मैम आपका मंच पर। गायत्री जोशी मैम, अगर आप तक मेरी वॉइस जा रही है तो मोस्ट वेलकम मैम। शायद उनका कुछ इशू है भास्कर भाई, आप कंटिन्यू करें। ओके ओके, थैंक यू मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। यस मैम, यस मैम, यस यस गायत्री मैम, शायद गायत्री मैम का इश्यू ही हो रहा है सर कुछ। गायत्री मैम आप रिफ्रेश करके प्लीज आइए, हम आपको सुनेंगे। गायत्री मैम हेलो, यस ओके, थैंक यू मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले सभी होस्ट को होस्ट ऑल पैनलिस्ट को मेरा प्रणाम, और YouTube से आज जितने सारे व्यूअर्स है सभी को मेरा प्रणाम कि रोज आप हमारे बीच रहते हैं और हमें इंस्पिरेशन करते हैं, थैंक यू सभी को। और आज हमारा जो प्रेजेंटर है जफर जफरी सर को भी मैं प्रणाम करता हूँ, और जफर जफरी सर ने आज हमें जो सुनाई है, मतलब एक पीछे से एकदम आगे तक बहुत एक अच्छा सफर मुझे हम लोग को करवा दिया है आज, तो थैंक यू सर, आपने हमारे इस मंच पे आके इतने सारे अच्छा शेयरिंग अपने किए हैं और पूरा ऑन पेसिप का जो जर्नी है आप उस जर्नी को शेयर किया है हमारे साथ, और सही में आप एक बात बोले हैं कि रात रात भर के जाके मीटिंग अटेंड करते थे, मुझे भी एक बात याद था कि घूमते थे तो सभी का नींद पूरा नहीं होता था, तो वही आज मैं सोचता हूँ जब आप ये बात बोल रहे थे तो मुझे पिछले का जो दिन आप लोग जो बिताया है, हम लोग सभी ने जो बिताया है, वो आज उसका जो मतलब रिजल्ट है हम आज वो कनेक्ट के तरफ देख पा रहे हैं कि कितना मेहनत हमारे जो टेक टीम है हम लोग के लिए किया है, इसके लिए शायद ना जाने सर कितना मेहनत किया है और टेक टीम ने कितना मेहनत किया है, भले आज हम लोग इस चीज को बहुत अच्छा से उसको यूज कर पा रहे हैं और आने वाले दिन जितना सारा प्रोडक्ट आएगा उसको हम अच्छे से उसको यूज कर पाएंगे, तो बहुत सारे ऐसे फाउंडिंग तो वो लोग का जो सोच है ना वो एक ही चीज पे अटका हुआ है, तो मैं सभी को बोलूंगा कि एक ही चीज पे
कभी भी उसको मतलब अटक के मत रहिए, उसको फील करिए, उसको उस चीज के साथ बहते जाइए, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आज जो 3 साल 4 साल 5 साल जो ऑन पेशिप के साथ बिताया है, ना जाने कितने ऐसे दिन गया है कि हम लोग उस चीज को, उस दिन को आज जब सोचते हैं तो बहुत अच्छा फील होता है कि हम लोग उस चीज को देखे हैं, हमारे सामने बनते हुए वो चीज को देखा है। आज आज जितने जब जितना वो कनेक्ट को हम अपडेट देखेंगे तब हमको पता चलेगा कि हम कितने टाइम इसमें इन्वेस्ट किया है। तो थैंक यू सर, आप हमारे बीच आए और आज आपने बहुत अच्छा शेयरिंग किया है, हमारे यहाँ पे टॉपिक भी अच्छा था और आपने बहुत अच्छा अच्छा बात भी बोले हैं। तो इसके लिए मैं आपको बोलूंगा कि आपको कभी भी अगर टाइम मिले तो हमारे बीच आते रहिए, हमें सिखाते रहिए। यही बोल के मैं अपना बातें विराम दूंगा और सभी व्यूअर्स को मैं बोलूंगा आप लोग रोज हमारे इस मंच के साथ यूट्यूब के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच भास्कर भाई, थैंक यू सो मच आपका वैल्यूएबल फीडबैक और वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। और हमेशा ही आप बहुत ही शॉर्ट में शेयरिंग रखते हैं और बहुत स्वीट शेयरिंग रहती है आपकी, एक मैसेज रहता है आपकी शेयरिंग में, सो थैंक यू सो मच सर। एंड नेक्स्ट मैं बिप्लब सर को मंच पर इनवाइट करती हूँ। बिप्लब घटक सर, आपका मंच पर स्वागत है, आप आए सर और आज के सेशन पर फीडबैक दीजिए सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, आज का सेशन बहुत अच्छा हुआ, खास करके जावर सर को मेरा प्रणाम। आज स्टार्टिंग से एंडिंग तक बहुत सुंदर सुंदर मैसेज दिया, आने वाला दिन में भी सर को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत सुंदर करके और भी सिखाया हम लोग को, और आज बहुत अच्छा लगा जावेद सर को। एक्चुअली तो मैं पहले से जावेद सर का यूट्यूब से बहुत कुछ मैसेज लेता हूँ, आज भी लिया, हमेशा लेता हूँ, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है जावेद सर का, क्योंकि ऑथेंटिक रिपोर्ट जावेद सर ही देता है। ओके, थैंक यू मैम, ओवर टू मैम। थैंक यू सो मच विप्लव सर, आपका वैल्यूएबल फीडबैक और शॉर्ट एंड स्वीट आपकी शेयरिंग, उसके लिए आपका धन्यवाद। गौतम सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? सॉरी टू इंटरप्ट यू विजय मैम, जफरी सर से एक रिक्वेस्ट है, जफरी सर काइंडली एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, हमारे व्यूअर्स एक क्वेश्चन दिए हैं, उनका नाम तो सही ढंग से नहीं आ रहा है, आउरा टू डेस्टिनी ऐसे नाम से उन्होंने, जो भी है आप अपने नाम से आइएगा काइंडली सर। उनका क्वेश्चन है, आई हैव SBI सेविंग ज्वाइंट अकाउंट माई सेल्फ एंड माई वाइफ, इज दिस ज्वाइंट अकाउंट यूजफुल फॉर विड्रॉल प्रोसेस? यही है क्वेश्चन सर, काइंडली इसका थोड़ा सा। नहीं, ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब वो देखिए ज्वाइंट अकाउंट हो उससे कोई मैटर नहीं करता है कि आपका जो विड्रॉल उसमें आने हैं या वो ले, क्योंकि आजकल तो वैसे कंपलसरी हो गया है, आप भी देखते होंगे बैंक पे रूल्स में भी आ गया है कि आप अपना नॉमिनी का नाम जरूर अपने बैंक के साथ ऐड करें, या जॉइंट अकाउंट भी कहीं कहीं होता है, तो डोंट वेरी, जॉइंट अकाउंट है उससे कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि आपका जब बैंक में आप गए थे तो आपका वहां पे वेरिफिकेशन था ऑलरेडी, तो मतलब आपका है और आपके साथ में अगर नॉमिनी का है या फिर आपके साथ में कोई जॉइंट जिसका भी है तो वो बिल्कुल 100% वेरीफाई होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जॉइंट अकाउंट भी है तो नो प्रॉब्लम। और अभी तो बातें हैं, अभी एक्चुअली डेबिट कार्ड भी आने दीजिए, डेबिट कार्ड में भी बहुत सारी चीजें होंगी और बैंक अकाउंट में भी काफी सारी चीजें आएंगी, क्योंकि कई लोगों ने बैंक में विड्रॉल लगाए हैं, अभी जैसे मैंने भी बैंक में विड्रॉल लगाया है, तो वो मैटर नहीं करता है कि वो तो पेंडिंग जितने भी हमारे विड्रॉल है मे भी जल्दी वो बैंक में भी आ जाएंगे, तो अगर आपका जॉइंट अकाउंट भी है तो डोंट वरी, अगर आपने उसमें विड्रॉल भी लगा रखा है अभी फिलहाल में, अगर नहीं भी लगाया है तो फ्यूचर में जब उसमें कुछ ट्रांजेक्शन वगैरह होंगे, हमारे डेबिट कार्ड आएंगे और भी चीजें होंगी, तो आप उसको आराम से यूज कर सकते हैं, वो कोई भी SBI का हो चाहे किसी भी बैंक का अकाउंट हो, जॉइंट अकाउंट चल जाएगा, नो प्रॉब्लम जी। थैंक यू, थैंक यू सर। आपको जो भी व्यूअर्स, आपका नाम तो सही ढंग से नहीं है, आपका आंसर सर दे चुके हैं और आप शायद समझ भी चुके हैं, तो थैंक यू जावेद सर, थैंक यू व्यूअर्स,
ओवर टू यू विजय मैम। थैंक यू सो मच जावेद सर, गौतम सर। जावेद सर आपने बहुत ही अच्छे से आंसर दिया है और मैं आशा करती हूँ कि उनको आंसर मिल गया होगा जिनका क्वेश्चन था। और नेक्स्ट मैं हमारे बीच में इनवाइट करती हूँ अनिल कुमार यादव जी हैं। सो मोस्ट वेलकम सर, आपका मंच पर स्वागत है। अनिल कुमार यादव निरंजन जी हैं हमारे बीच में। मोस्ट वेलकम निरंजन जी, आपका मंच पर स्वागत है। भजन मंडल सर हैं हमारे बीच में। मोस्ट वेलकम भजन मंडल सर, आपका मंच पर स्वागत है। थैंक यू मैम। आज सुन पा रहे हैं मेरा आवाज मैम? यस सर। थैंक यू मुझे इस मंच पर बुलाने के लिए। विजय मैम आपको प्रणाम है, क्योंकि आज मेरा लिए बहुत स्पेशल डे है, क्योंकि आज जिसने हम लोग को इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है उसका नाम है जावेद सर। उसका हम पहले से ही उसका वीडियो देख के बहुत सीखा है। उस सर को हमको आज उसका वीडियो सुना है, उसके बहुत सीखा है, इसलिए सर को प्रणाम करने के लिए मेरा दिल में था पहले से ही, और कभी भी बात करने के लिए मौका नहीं मिला। आज में मौका मिला है सर आपसे थोड़ा सा बात करने के लिए। और एक तो इतना अच्छा मंच पे आया है, आज में सर के साथ में भेंट हुआ है और सर से थोड़ा बात करने के लिए मन है, क्योंकि सर से हम बहुत कुछ सीखा है। जीरो से हीरो बन चुका है, क्योंकि हम नहीं बनाए, बहुत जितना मतलब सर का वीडियो देखता है, नॉलेज देता है सर, इतना अच्छा नॉलेज देता है। आज में उससे थोड़ा सा बात करने के लिए मौका मिला है सर। सर कैसा है आप, जावेद सर कैसा है आप? जी जी बहुत बढ़िया हूँ भाई, एक नंबर हूँ बिल्कुल, और बहुत खुश हूँ। आप भी खुश रहिए और आप मुझे सुनते हैं उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और यही चाहिए बस, एक दूसरे को सुनते रहिए, क्योंकि बोलने वाले से ज्यादा सुनने वाला यहाँ पे मायने रखता है। तो आप मुझे इतने सालों से सुन रहे हैं उसके लिए थैंक यू वेरी मच। तो कई लोग तो अभी मुझे बोलते हैं कि यार तीन साल से सुन रहे हैं सर आपका आवाज सुन रहे हैं, लेकिन आज आपसे बात करने के लिए मौका मिला है, इसलिए आपको 100 बार प्रणाम कर रहे हैं सर। और आप इतना अच्छा से हम लोग को विश्वास है आपका, आपसे और हम लोग को ज्ञान मिलते रहेंगे सर। और एक तो सर छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है सर, हमको मतलब आपसे बात करके बोलने का मन है, आपसे बात करने के लिए मन है, इसलिए हम बोल रहे हैं सर। मतलब ये क्वेश्चन है हमारा, जो हम लोग का बैंक का जो विड्रॉ अभी हम भी लगाया हुआ है सर, और ये जो विड्रॉ है, ये विड्रॉ के लिए अभी मेल आएगा सर हम लोग का? हम एक वीडियो में सुना है। हाँ हाँ, मेल जो आता है सर, तो मेल कई लोगों को आया भी है, मतलब वो आपकी विड्रॉल की जो प्रोसेस है उसका कर दिया गया है उसके लिए, लेकिन अभी वो अभी भी पेंडिंग बता रहा है, मतलब भी काफी टाइम से लगा रखा है लोगों ने। तो उसके लिए जो हमारा ओडेक्स से मैसेज आता है, जो भी आपने विड्रॉल लगाया होगा, तो कि भाई आपका ये कर दिया गया है और इसे जल्दी आपको दे दिया जाएगा। बट अभी जैसा लास्ट अपडेट में मिस्टर एच बोल चुके हैं कि अभी सारे जितने भी बल्क पेमेंट्स हैं उन्हें जस्ट अभी रखा गया होल्ड पे, तो जस्ट वेट, अभी जैसे ही वो आएगा तो उसे आप जस्ट देख लीजिए, जो भी होगी अपडेट मिस्टर एश आके अपकमिंग डेज में देंगे, तो बस उसे देखते रहिए। तो 100% ओडेक्स से आपको जो है, आपने भी लगाया होगा तो वहां से आपको मैसेज आया होगा कि भाई आपका ये है, और तो वेट कीजिए, जस्ट वेट एंड वॉच। और आप इतने सालों से सुन रहे हो, ये बहुत आपका थैंक यू मैं बोलूंगा। ऐसे हमारे कई लोग हैं जो हमें कंटिन्यू सुन लेते हैं, तो कई लोग ऐसे भी हैं जो बोलते हैं तो आप तो काम की बात बताओ, मतलब कि बस पैसा कब आएगा, विड्रॉल कब आएंगे, कब इनकम होगी। तो मतलब क्या है कि भाई देखिए, जो अपडेट होती है वही हम बताते हैं, जो रियल अपडेट होती है वही बताते हैं। कोई भी बंदा जो है ये नहीं बता सकता आपको कि कितने दिन में आपको ये चीजें हो जाएंगी। सबको पता है यहाँ पे कि 100% 101% सब कुछ यहाँ पे हो जाएगा और अपकमिंग डेज में सारी चीजें हो जाएंगी। बट कोई अगर डेट बता दे और ये कर दे कि भाई इस दिन मैं बता रहा हूँ आपको कि आ ही जाएगा और ये हो जाएगा, तो बिल्कुल बिलीव मत कीजिए। ऐसा सर आके खुद बता देंगे
और विड्रॉल पहले भी आए थे सितंबर के, उसमें आपने देखा होगा कि कई लोग क्रिप्टो में पेमेंट भी लिए थे, बट बैंक विड्रॉल अभी तक किसी के नहीं आए। तो डोंट वेरी, इसमें एक चीज और थोड़ा सा क्लियर कर दूं, बार बार मैंने क्लियर किया है, लोग पूछते हैं आईएफसी कोड डालें या शिप कोड डालें, तो वहां पर आपके पास ऑप्शन होता है, आईएफसी और शिप कोड दोनों का ऑप्शन होता है। तो नॉर्मली लोगों की गलतफहमी यह है कि शिप कोड डालोगे तो ही आपका विड्रॉल आना है, तो अभी फिलहाल में आपने शिफ्ट डाला हो या आईएफसी कोड डाला हो, दोनों में पेमेंट नहीं आया है। और आपको बता दूं आईएफएससी कोड भी डाल दोगे आप तो भी आ जाएगा, क्योंकि वहां पे जो ऑप्शन लिखा हुआ है आईएफएससी और बीच में ऑब्लिक का वो एक डंडा है और उसके साइड में है शिफ्ट कोड, तो आप आईएफएससी डाल दें या शिफ्ट कोड डालें, दोनों कंडीशन में विड्रॉल आ जाएगा। तो बस देखते रहिए, जो भी होगा बेस्ट होगा। जी थैंक यू सर। जो हम आपको बोला है, जो हम लोग का ये फेक मेल आया है ना, ऐसा हम सुना था, इसलिए सर हम आपको इस बारे में आपको थोड़ा जानना मन जाने के लिए मन था, इसलिए हम जो भी मेल आएगा बीच में कुछ ऐसी गलतफहमी आ गई थी कि शायद ऐसा कुछ मेल आएगा, सभी लीडर्स, बहुत सारे लीडर ने भी ये शेयर कर दिया कि ऐसे कोई उससे जो है वो आने वाला है या पलाने जो है कुछ अलग कंपनी से आएगा आपको, क्योंकि कोई वो मर्चेंट होगा उसका आएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं आपको इसलिए कॉन्फिडेंस के साथ में बोल सकता हूँ कि इसके लिए मैंने सपोर्ट में जो है लिखा था कि विड्रॉल का जो मैसेज आएगा, जो विड्रॉल की हमने प्रोसेस की है उसका मैसेज कहाँ से आएगा और उसके लिए क्या अदर कंपनी का कोई मर्चेंट का होगा या ऑन पैसिव का होगा, तो वहां से क्लियर आंसर आ गया था कि वो ओडेस से ही आपको उसका जो है मेल आने वाला है। तो वहां से अगर ये बात क्लियर हो गई है तो बाकी चीज तो आप छोड़ दीजिए। जी सर थैंक यू सर, आप इतना अच्छा से आप हमको आप मोटिवेट किया है, आपका बात बहुत अच्छा लगा सर। और विजय मैम हम थोड़ा सा एक बात बोलने के लिए सोच रहे, टाइम भी बहुत कम है, हमको मतलब पता है हम लोग का जो कितना परेशानी पार हुआ है और हम लोग का मन का जो विश्वास है वो होने जा रहा है, और हम लोग का जितना गरीबी है हम लोग देखा है, आदमी लोग इतना परेशान से चलता है लेकिन समझता नहीं है हम लोग का ये कितना बड़ा चीज है। हम लोग बार बार घूम के दो तीन बार बोला है, चार बार पांच बार बोला है आदमी लोग का अच्छा होने के लिए, लेकिन अभी हम लोग का अच्छा दिन आ गया है, अभी हम लोग का इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, अभी गरीबी धीरे धीरे हम लोग का चला जाएगा, अभी तो हम लोग का काम भी करना है लेकिन उसी काम का बीच से ही हम लोग का टाइम देना है, लेकिन काम इसलिए करना है, हम लोग का घर चलाना पड़ता है, सबसे ज्यादा समय इसमें हम लोग का देना चाहिए, क्योंकि हम लोग का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, हम लोग का कभी भी मतलब समय चेंज होने वाला है। और मैम हिंदी इतना अच्छा से हमारा क्लियर नहीं होता है, इतना ही बोलना चाहता है मैम, थैंक यू हमको इनवाइट करने के लिए, और जितना फाउंडर है सब अच्छा जगह में है, सबका अच्छा दिन आने वाला है, बस इसने थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच भजन मंडल सर, आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग, और आपने क्वेश्चन भी रखे, आपको आंसर भी दिया हमारे जावेर सर ने, उसके लिए जावेर सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज अभी सभी कोई टाइम का ध्यान रखेंगे और हैंड रेज करेंगे तो अच्छा रहेगा मुझे इन्वाइट करने के लिए। तो नेक्स्ट हमारे बीच में बुद्धा देव सर का हैंड रेज है, तो सर आप आइए और अपना वैल्यूएबल फीडबैक दीजिए और शॉर्ट में सर कोशिश करिएगा। मोस्ट वेलकम बुद्धा देवदास सर। गुड इवनिंग मैम, आई एम ऑडिबल? यस सर। थैंक यू मैम, थैंक यू मेरे को मौका देने के लिए। ओपी यूनिट टू यूनिट इस मंच में हमारा ग्रेट मेंटर गौतम सिंह सर, सुपर्णा मैम, विजय कुमारी मैम, सरिता मैम, एंड आज का रात का सेशन में जो जावेद सर आया, मैं तो बहुत खुश हो गया हूँ। मैं थोड़ा लेट में आया हूँ लेकिन देख रहा हूँ जो जावेद सर है, मेरे को इतना अच्छा लगा उनका शेयरिंग से। तो सर से मेरा क्वेश्चन है सर, ये जो वेरीफाई आएगा उसके बाद जो उसके साथ क्या कोई नॉमिनी आ सकता है क्या, नॉमिनी का ऑप्शन? जी, वो वेरीफाई जो है, वो वेरीफाई आने के बाद में बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और हम सबको डेफिनेटली वेट करना है वो वेरीफाई का। मे बी नेक्स्ट प्रोडक्ट टोट रैकर और वो वेरीफाई ही हो सकता है। तो नॉमिनी का ऑप्शन देखिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट तो ये है और इस पर पहले भी डिस्कशन हो चुका है, आपको शायद याद हो तो वेबिनार जब होते थे तो एच सर से पूछा भी गया था सवाल कि नॉमिनी का ऑप्शन इसमें कब ऐड होगा। तो वो वेरीफाई तो ठीक है, वो एक अलग चीज हो गई, बट नॉमिनी का ऑप्शन में भी आपके ओईएस की प्रोफाइल में या जल्दी वो मिल जाएगा, क्योंकि
जैसे मान के चलिए किसी फाउंडिंग मेंबर की डेथ हो गई है, अब उसका तो कोई नॉमिनी वगैरह का ऑप्शन नहीं था, तो इस कंडीशन में वो क्या करेंगे? तो 101% आपका ये ऑप्शन जरूर आएगा, तो ओ वेरीफाई के साथ आता है। ओ वेरीफाई में क्या क्या चीजें आती हैं, क्योंकि उसमें फेस के थ्रू सारा वेरिफिकेशन होने वाला है, नई टेक्नोलॉजी के साथ में वेरिफिकेशन होने वाला है, तो मे बी चांसेस जरूर है यहाँ पे कि ओ वेरीफाई के साथ आए, बट उसके पहले भी हो सकता है नॉमिनी का ऑप्शन ओईएस में जो है नॉमिनी का ऑप्शन हमें देखने को मिल जाए, तो वेट कीजिए, देखिए जो भी होगा बेस्ट। सर इसी का बारे में थोड़ा एक सेकंड के लिए जानकारी था, थोड़ा एक सेकंड के लिए सर, अगर नॉमिनी आया तो सर मेरा बच्चे है, बच्चे का अभी वो कॉलेज में पढ़ रहा है, तो उसका डॉक्यूमेंट्स में मेरा जो नाम है बुद्धोदेव, लास्ट स्पेलिंग है बी, लेकिन उसका और डॉक्यूमेंट्स में भी हो गया, ठीक है ना सर, उसमें क्या करा जाए? अगर उसका कॉलेज में माध्यमिक उच्च माध्यमिक वो कॉलेज का जो सर्टिफिकेट है उसमें तो सारे कुछ में भी लिखा हुआ है मेरा नाम का, उसमें कोई दिक्कत आएगा क्या सर? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखिए वेरिफिकेशन जो होते हैं उसमें आपका जो भी गवर्नमेंट आईडी होगा वो मायने रखेगा, वो आपका आधार कार्ड हो या आपका कोई भी गवर्नमेंट आईडी ड्राइविंग लाइसेंस हो वो मैटर करेगा, वहां पे आपकी स्पेलिंग आपने इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई है या कुछ हो गया है या कुछ और जगह पर कुछ है, तो डोंट वरी, वो आपका जब गवर्नमेंट आईडी से वेरीफाई होगा वो ज्यादा मायने रखेगा, तो नहीं सर मेरा बच्चे का बोल रहा हूँ सर, मेरा बच्चे का नॉमिनी में जब बच्चे को रखेंगे ना सर, बच्चे का जो आधार कार्ड है उसका नाम सही है, सब कुछ ठीक है, लेकिन पापा का नाम, मेरा नाम जो बुद्धोदेव है लास्ट स्पेलिंग बी है, तो उसमें भी हुआ है सर आधार कार्ड में, और कोई डॉक्यूमेंट्स में है सर? नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे एक दो स्पेलिंग से कोई वो प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि फेस के थ्रू जब सारी चीजें होंगी तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो छोटी मोटी चीज है, छोड़ दीजिए उसको अपकमिंग चीज को। थैंक यू सर, अशेष धन्यवाद आपको सर, आपका तो मैं तो आपका बहुत बड़ा फ्रेंड्स हूँ, इसलिए क्योंकि हर रोज आपका दो बार यूट्यूब में लाइव देखता हूँ सर, आपका यूट्यूब में हर रोज मैं आता हूँ। ओके सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ बिल्कुल, आपका नाम पहचाना लग रहा है, मैंने आपका नाम सुना है, देखा है, मैं बोलने भी वाला था, तो थैंक यू आप जुड़े रहते हो उसके लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू, सबसे अच्छा लगा कि आज आपके साथ बात करके मेरे को थोड़ा इतना अच्छा लगा, बहुत खुश हो गया हूँ सर। बस खुश रहिए, दुनिया में खुश रहना ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी तो बाकी बातें बाद में, खुश रहिए बिल्कुल, थैंक यू। 3 साल से सर मेरा 3 साल हो गया यहाँ पर आने के लिए, फाउंडरशिप लिया हूँ, लेकिन बहुत पीछे बहुत प्रॉब्लम में झेल रहा हूँ, फिर भी मैं एक ही ऊपर वाला से विश्वास करके अभी भी चल रहा हूँ सर, पीछे हटने वाला नहीं है हम लोग। प्रॉब्लम को नो प्रॉब्लम कर दीजिए, डोंट वरी, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सो मच बुद्धा देवदास सर, थैंक यू सो मच जावेद जाफरी सर, आपने इनके क्वेश्चन का आंसर दिया, और थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मैं शारदा देवी मैम आपको मंच पर इनवाइट करती हूँ, आपका मोस्ट वेलकम है मंच पर, आप आए और अपना वैल्यूएबल फीडबैक दे मैम, मोस्ट वेलकम शारदा देवी मैम। थैंक यू विजय मैम, मुझे मंच पे मुझे इनवाइट करने के लिए मैम आपका थैंक्स करती हूँ, और होस्ट पैनलिस्ट जितने भी मेरे भाई बहन जुड़े हैं मैं सबको नमस्कार करती हूँ, और आज के प्रेजेंटर हमारे जयवर सर जी, तो इनको भी मैं प्रणाम करती हूँ, और जो हमारे गौतम सर जी हैं और सुपना मैम जी हैं जिन्होंने इतना प्यारा मंच बनाया है, तो इनको भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि हमारे लिए इन्होंने इतना अच्छा मंच बनाया है, तो हम सब इकट्ठे होके एक दूसरे से नॉलेज मिलती है तो सीखते हैं हम मैम। तो आज के जो प्रेजेंटर थे हमारे जयवर सर जी, इन्होंने तो बहुत ही अच्छी प्रेजेंट, मतलब पूरी अन पैसिव का जितना भी इनका 5 साल का सफर था सब इन्होंने हमारे सामने रखा और एक एक बात खोल के समझाई है, तो हम ऐसे ही इनको सुनते रहेंगे तो सब नॉलेज लेते रहेंगे, तो हम सबको मतलब ऐसे ही इनका भी धन्यवाद करना है जो हमारा लिए इतना कीमती समय निकाल के जो आते हैं और हमें नॉलेज देते हैं, तो थैंक यू मुझे मैम मुझे इनवाइट करने के लिए, आपका बड़ा धन्यवाद मैम, ओवर टू यू विजय मैम। थैंक यू सो मच शारदा देवी मैम, आपके वैल्यूएबल फीडबैक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और नेक्स्ट मैं नीता देवी मैम को मंच पर इनवाइट करती हूँ, नीता देवी मैम आप आइए और अपना फीडबैक दीजिए मैम शॉर्ट में, मोस्ट वेलकम नीता देवी मैम। थैंक यू विजय मैम मुझे इनवाइट करने के लिए,
और इनिट टू विनिट के मंच पे जितने भी पार्टिसिपेट होस्ट को होस्ट आज के हमारे पैनलिस्ट जो जावेद जाफिर सर प्रेजेंटर आज के हमारे, उनको मैं बहुत बहुत नमस्कार करती हूँ और उनको मैं थैंक्स करती हूँ, क्योंकि वो जब भी आते हैं हमें बहुत ही अच्छी नॉलेज देते हैं। उन्होंने जो उनका मतलब कि उन्होंने शुरू से ऑन पैसिव के साथ वो खड़े हैं, उन्होंने अपनी जो अपनी जर्नी हमें ऑन पैसिव की बताई, हमें बहुत अच्छा लगा सुन के, क्योंकि वो जो भी बात करते हैं वो बिल्कुल सही बात होती है और वो बिल्कुल सही गाइड करते हैं। हम उनको यूट्यूब में भी सुनते हैं, उनकी वीडियो हम उनको सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छी और बिल्कुल मतलब कि जो रियलिटी सच्ची न्यूज होती है सच में वो ही हमें प्रोवाइड करते हैं। तो थैंक यू करती हूँ मैं जावेद जाफिर सर का, हम उनको आगे भी सुनना चाहेंगे इस मंच पे। तो थैंक यू सर, आप आते रहना और हमें गाइड करते रहना। थैंक यू सर, थैंक यू विजय मैम मुझे इन्वाइट करने। थैंक यू सो मच नीता मैम, आपके वैल्यूएबल फीडबैक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और नेक्स्ट मैं हमारे ओम प्रकाश सर को मंच पर इनवाइट करती हूँ। सर आप आइए और अपना शेयरिंग रखिए सर, मोस्ट वेलकम। हाय मॉडरेबल सर। यस यस सर। नमस्कार मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए, मैं ओम प्रकाश माली रत्नागिरी महाराष्ट्र से। आज का सेशन बहुत जबरदस्त और अपने प्रेजेंटर जावेद जाफरी सर ने अपने को पूरा जो हिस्ट्री अनपासिव का था वो पूरा बताया और उनके अपने बहुत नॉलेबल देन करना है और अपने को रेगुलर आते रहना, यही बोलूंगा। यस सर, यस यूनिट टू यूनिट मैडम। थैंक यू सो मच सर, आपकी वैल्यूएबल फीडबैक और स्वीट शॉर्ट शेयरिंग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर। ऐसे ही मंच पर आते रहिए सर, आगे भी आपको सुनना चाहेंगे। एंड नेक्स्ट हमारे बीच में त्रिवेंद्र सरकार सर हैं, सो मोस्ट वेलकम त्रिवेंद्र सर, आपका मंच पर स्वागत है सर। त्रिवेंद्र सरकार सर मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट हमारे बीच में भास्कर आमिन सर हैं, सो मोस्ट वेलकम सर, आपका मंच पर स्वागत है भास्कर आमिन सर। थैंक यू मैडम, विजय मैडम के लिए थैंक यू मेरे को इनवाइट करने के लिए। सभी को नमस्कार, पैनलिस्ट होस्ट को होस्ट के लिए, मैं भास्कर आमिन कर्नाटक से बोल रहा है और स्पेशली गौतम सर सुपर्णा मैडम के लिए तो अच्छा मंच समाया, बहुत अच्छा लगा। और स्पेशल और जो प्रेजेंटर है जो जाफरी साहब, इसका तो ट्यूब तो यूट्यूब तो देखते रहते हैं मैं, लेकिन इसके बारे में तो हम लोग कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि हम लोग कत उसका कत में बहुत फर्क है। और जो उसका सुन के बहुत अच्छा लगा और थैंक यू मैडम, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, आपको लास्ट में आज मैंने इनवाइट किया उसके लिए सॉरी चाहती हूँ सर। और बिल्कुल आप ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ। और मुझे आज मैं गायत्री मैम को एक बार फिर से मैं इनवाइट करती हूँ। गायत्री मैम अगर आप तक मेरी वॉइस जा रही है तो मोस्ट वेलकम गायत्री मैम, आपका मंच पर स्वागत है। गायत्री जोशी मैम अगर आप तक मेरी वॉइस जा रही है तो मोस्ट वेलकम मैम। आज शायद हमारी गायत्री मैम का या तो नेटवर्क इशू है या तो कोई कुछ तो है, नहीं तो वो जरूर आते हमारे बीच में है तो। और गौतम सर अभी सभी का शेयरिंग ऑलमोस्ट हो चुका है, तो थैंक यू मैं आपको मंच पर इनवाइट करती हूँ सर, आप आइए मंच पर। यस मेरा आवाज आ रहा है मैम? यस सर आ रहा है सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, इतना अच्छा मंच को संभालने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, रियली इट्स फैंटास्टिक। जैसा आज का सेशन वैसा ही आज आपका भी परफॉर्मेंस, रियली इट्स अमेजिंग। लेकिन मैम और एक रिक्वेस्ट है, आज हमारे बीच हाईएस्ट व्यूअर्स आए हैं और सारे व्यूअर्स बहुत सारे मैसेज किए हैं, लेकिन आपसे जितना हो सके काइंडली मैसेज थोड़ा सा पढ़ दीजिए हमारे व्यूअर्स के लिए।
मैं वही कहने जा रही थी कि आज आज गौतम सर मुझे ना कहे, क्योंकि आज 234 पर्सन हमारे बीच में थे, तो बहुत सारे, आज मैं बहुत खुश भी हूँ कि इतने सारे लोग हमें यूट्यूब से देख रहे हैं। सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। और अभी भी इस टाइम पर भी हमें 196% जो है वो व्यूअर्स यूट्यूब से सुन रहे हैं। सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि अभी तक हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं। तो मैं सर एक्चुअली आज मैं नीचे से कमेंट पढ़ना शुरू करूंगी, क्योंकि जो नीचे से पर्सन है ना वो हमारे साथ अभी है, तो इसलिए मैं नीचे से थोड़े मैसेज पढ़ना स्टार्ट करती हूँ सर। बिल्कुल जी, एस के सर हमारे साथ है, उन्होंने नमस्ते किया है। एमडी सर है हमारे साथ, एमडी शौकीन, उन्होंने भी इनिट विनिट कहा है। राव साहब सर अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राव साहब सर आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूं मैं। और उन्होंने कहा है कि सभी को उन्होंने नमस्ते किया है सपोर्ट के लिए। उसके बाद हमारे साथ संजू अजमेरा जी हैं, नमस्ते कर रहे हैं। विजय कुमार जी हैं, ओकनेक्ट इज वेरी गुड प्रोडक्ट ऑन पैसिव इको सिस्टम, कानपुर से हैं ये, थैंक यू सो मच सर। भास्कर मंडल सर बने हुए हैं। प्रमिला देवी जी हैं हमारे साथ, वेरी नाइस ऑन पैसिव। कायद्री श्रीनिवास जी हैं, मनोज जैन जी हैं हमारे साथ, और संजू अजमेरा जी, प्रहलाद चंद्र नायक जी नमस्ते कर रहे हैं, किशोर इंगोले जी नमस्ते कर रहे हैं। उसके बाद हमारे साथ जुड़े हुए दिलीप तिमंग सर हैं, असम से हैं ये, तो थैंक यू सो मच सर। कमल रघमतकर सर है हमारे साथ जुड़े हुए, और संजू अजमेरा जी, प्रवीण कुमार जी, सरजीत जैना जी, ग्रेटिट्यूड टू गौतम सर एंड सुपर्णा मैम, थैंक यू सो मच, वेरी मच बोथ ऑफ यू, थैंक यू सो मच सर। और सोहन बामनिया जी हमारे साथ हेलो कर रहे हैं। भूपेंद्र शर्मा जी हैं, उरोला सायलू जी हमारे साथ हैं, मदन मिश्रा जी हैं, भूपेंद्र शर्मा जी हैं, ठाकुर वर्णा जी हैं हेलो कर रहे हैं। एमडी शौकीन सर अभी भी बने हैं, रिस्पेक्टेड गौतम सर जी, विजय मैम थैंक यू सो मच, हार्ड वर्किंग एंड डेडिकेशन, थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ अभी तक बने हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सरजीत जैना जी ने जावेद सर की प्रेजेंटेशन वंडरफुल सेशन रहा, उन्होंने उनको धन्यवाद दिया है, क्लैपिंग भी कर रहे हैं वो। प्रशांत गोवंडे जी हमारे साथ हैं, वो भी हाई कर रहे हैं। और पता नहीं एक सीताराम नायक जी हैं, वो बहुत ही ज्यादा रो रहे हैं, रोने वाली इमोजी डाली है, तो इनको क्या दिक्कत है, वो अगर लिखते तो हम पढ़ के बता सकते थे, लेकिन सर अभी तो हंसने का टाइम आ चुका है, अभी रोने वाली कोई बात नहीं है, आप हंसिए अभी खूब सारा। वो ये बोलना चाहते हैं कि भैया मतलब पैसा कब आएगा, उनका रोने का मतलब ही है, मैं बता रहा हूँ। जी सर आप सर हमसे ज्यादा जानते हैं ना, इसीलिए आपको समझ में आ गया क्यों रो रहे हैं वो। थैंक यू। संतोष कुमार जी हैं, हेलो कर रहे हैं। और ब्रिजनाथ कंगने जी हमारे साथ हैं, ट्रू फैक्ट के नाम से हैं कोई, वो कह रहे हैं कि वेरी नाइस व्हाट आस्क एज सर बैन विल इनकम स्टार्ट व्हाट सो मेनी पीपल्स आर इन ट्रबल। तो बिल्कुल ऐसा जो है हमारे इनकम के लिए ही कर रहे हैं, हम सभी का जितना भी ट्रबल हम लोग फेस कर रहे हैं उसी को दूर करने के लिए वो दिन रात काम कर रहे हैं, तो पेशेंस रखिए थोड़ा सा। और सैदुर रहमान जी हमारे साथ हैं, थैंक यू सो मच सैदुर रहमान सर, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और राव साहब जी भी सभी को कह रहे हैं कि रिस्पेक्टेड गौतम सर व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट टूडे सेशन, तो गौतम सर आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं इनको आज के सेशन के लिए। हाँ राव साहब जी, सबसे पहले तो आपका सपोर्ट के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको नमन, और आप बहुत सपोर्ट करते हैं हम लोगों को यूट्यूब में, क्योंकि दोनों साइड संभालना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, और सबको पता है जैसे जफरी सर का कद है आज का सेशन भी उतना ही बढ़िया हुआ है, तो ये बोलना सही होगा द एक्साइटिंग सेशन ऑफ मार्च 2024, रियली इट्स अमेजिंग फैंटास्टिक। यस बिल्कुल सही कहा गौतम सर आपने, बिल्कुल फैंटास्टिक सेशन था आज। और मदन मिश्रा सर हमें नमस्ते कर रहे हैं, और फारूक राव जी हेलो कह रहे हैं, पंकज जोशी जी हमारे साथ हैं,
उसके बाद मदन देवासी जी हेलो कर रहे हैं, अब्दुल राशिद जी हैं हमारे साथ हेलो कर रहे हैं, आचार्य सुधीर जी हैं, राम अवतार चौधरी जी हैं, नाइस जावेर सर सर जी ऐसे कह रहे हैं, और सुपर्णा मैम भी हमारे साथ हैं यहाँ पर, सभी को थैंक यू कर रही हैं, जावेर सर को भी उन्होंने थैंक यू किया है, हेमराज साहू जी हमारे साथ हैं, क्या हुआ आपके सर्वे का, वो आपने सर्वे का उसको आपने दीजिए नंबर दीजिए, ऐसा कुछ आपने रिटर्न कर दिया। जी जी मैंने दे दिया 100% पॉइंट दे दिया, डोंट वरी। ओके ओके मैं भी दे देती हूँ तभी हटेगा स्क्रीन से ना। यस और YouTube के आप कमेंट पढ़ेंगे तो आपको एक घंटा और सेशन करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत एक्साइटेड रहते हैं लोग और नाम सुनना चाहते हैं। जी 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 सर जी सर, तो मैं बस गौतम सर आपको मेरी वॉइस आ रही है क्या? मुझे स्क्रीन पे कोई शो क्यों नहीं हो रहा है जावेर सर? यस यस मैम। ओके अभी हो रहा है। तो बिल्कुल सर, गौतम सर बहुत सारे मैसेज अभी भी हमारे बीच में हैं, तो बहुत सारे लोग आज जुड़े हुए थे, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं दिल से, और सभी ऐसे ही हमें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि सेशन में आकर बोलना तो हम सभी को आता है, लेकिन सुनने के लिए भी हमें कोई चाहिए है ना। तो अगर आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, सुन रहे हैं, सेशन के इस टाइम तक बने हुए हैं, तो उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। और जावेर सर अभी तक हमारे साथ बने हुए, तो जावेर सर का भी बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, और ओवर टू यू करती हूँ गौतम सर। थैंक यू विजय मैम। आज मैं कुछ बोलने वाली हूँ विजय मैम के लिए। रियली विजय मैम इतना सपोर्ट देते हैं, कोई भी मंच पर इतना संभालना कोई मामूली बात नहीं है, पूरे मंच को इतना अच्छी तरीके से संभाला है। और जिस दिन से विजय मैम ने मुझे बोला सेशन चालू कीजिए, मैम आपके साथ हूँ, मैं रेगुलर आपके साथ हूँ, तो ये मुझे एक प्राउड फील होती है, क्योंकि कुछ करने अकेला संभव नहीं है कुछ भी कुछ चलाने के लिए, तो मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ। सहिता मैम, विजय मैम, आप दोनों मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, और भी बहुत करते हैं, लेकिन आप दोनों का सपोर्ट ऊपर लेवल का है। थैंक यू सो मच विजय मैम, और जावेद जफरी सर को थैंक यू सो मच सुपर्णा मैम, थैंक यू विजय मैम। सबसे पहले तो मैं जफरी सर का नमन करूँगा। सर नमस्ते, इतने बिजी शेड्यूल के बावजूद आप आए और हमें सपोर्ट किए, इतने अच्छा सेशन को आप कंटिन्यू किए, यहाँ बढ़िया फैंटास्टिक आपका प्रेजेंटेशन था, हमारे व्यूअर्स बहुत पसंद किए, यही सबसे बड़ा प्रूफ है कि व्यूअर्स इतना पसंद किए हैं आज का सेशन को, रियली इट्स अमेजिंग। तो व्यूअर्स आपसे भी हम माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि इतने सारे मैसेज लेना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, आज हम लोग पूरा मैसेज नहीं ले पाए, नेक्स्ट दिन जरूर कोशिश करेंगे कि आपका मैसेज ए टू जेड हम ले पाए, तो इसके लिए आपसे आप लोगों से हम माफ़ी मांगते हैं। और आज टाइम भी बहुत हो चुका है, जावेद जफरी सर को हमें फ्री भी करना है, तो आइए फ्रेंड्स आज वाइंड अप के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं जावेद जफरी सर को। सर आज मंच आप संभाले हैं, आप ही आज वाइंड अप के लिए आइए, और हमारे व्यूअर्स के लिए आपके तरफ से एक मैसेज भी दीजिएगा सर। जी थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सुपर्णा जी एंड गौतम सर, बहुत अच्छा आपका ये मंच, मैं पहली बार आया हूँ, बड़ी खुशी हो रही है, एंड विजया कुमारी जी ने जो होस्टिंग की है वन ऑफ द बेस्ट होस्टिंग थी, शानदार, और हमारे भास्कर भाई यहाँ जुड़े, काफी सारे लोग हैं, सबके नाम नहीं ले पा रहा हूँ, बट यूट्यूब पे भी लाइव चल रहा है, मुझे नहीं पता था, तो बहुत अच्छी बात है, एक हमारा जो वो कनेक्ट का फीचर बिल्कुल लाइव हो रहा है यूट्यूब पे, आपके व्यू भी काफी है, तो मैं सबसे ये बोलूंगा कि ये देखिए ये जो भी वेबिनार्स करते हैं ये करना आसान नहीं होता है, और कई लोग मुझसे बोलते हैं कि पर्सनली कि भैया आप अपने वेबिनार कीजिए हम उसमें जुड़ेंगे, दोस्तों मैं बता दूं मैंने कुछ किए थे लेकिन मैं इतना टाइम नहीं दे पाता हूं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, वेबिनार को संभालना, मंच पे बातें करना, ये देखिए यहाँ से 2 घंटे से ऊपर हो गया यहाँ पर, और जिस तरह से यहाँ पे हमारे जितने भी लीडर्स बने हुए हैं, विजय कुमारी जी हो या हमारे गौतम सर हो, सुवर्णा जी हो, जो भी जुड़े हुए हैं कंटिन्यू बने हुए हैं, तो सारे काम धाम छोड़ के बने हुए हैं, और इतनी देर तक मंच को संभालना ये कोई मजाक नहीं है, और इतना अच्छा लगा आपके साथ जुड़ के, फर्स्ट टाइम मैं आपके साथ में जुड़ा हूँ, दिल से बोलूंगा मुझे बहुत खुशी हुई है, इसलिए लास्ट तक मैं जुड़ा रहा, पॉइंट टू पॉइंट बात होती है,
बिल्कुल किसी भी चीजों के लिए बिल्कुल हाइप नहीं होते आप लोग, और बिल्कुल सिंपल तरीके से सारी चीजें करते हैं। तो जो सिंपलिसिटी जहाँ पे होगी वहां पर आपको हमेशा जो है प्यार मिलने वाला है। और वैसे आप जिस तरह से यूट्यूब में, सबसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा, जैसा मैं देख रहा था आप जिस तरह से नाम ले रहे थे, मेरे भी कई फॉलोअर हैं जो आपके यूट्यूब पे आए हैं, तो आपके लिए उनके लिए भी बोलूंगा कि जरूर इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आइए। और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन सर यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे लीडर्स आते हैं, मैं आया हूँ, आगे और भी बहुत अच्छे लोग आएंगे, पहले भी आए होंगे, और इनको लगातार आप फॉलो कीजिए। और मेरा यही मैसेज है कि जो सही इन्फॉर्मेशन जहाँ पे आती है, सही नॉलेज आता है, जैसे आज आपका इनिट टू विनिट का मंच है, मुझे बहुत खुशी हुई है, और भी बहुत सारे मंच पे जाता हूँ वहां भी अच्छा लगता है, बट यहाँ आके एक अलग ही गुड फील हुआ है, बिल्कुल फील ऐसा अच्छा फीलिंग आ रही है, इसलिए मैं आखिरी तक जुड़े रहा, क्योंकि मेरे लिए थोड़ा इतनी देर तक बैठ पाना संभव नहीं होता है, मैं इतनी देर बैठता नहीं, आप भी जानते हो 5-5 मिनट के ज्यादा मेरे वीडियो नहीं होते, क्योंकि मैं कम टाइम में सेशन खत्म करता हूँ या मेरे वीडियो खत्म करता हूँ, सेशन में भी आधे घंटे से ज्यादा नहीं बोल पाता हूँ। तो थैंक यू, बिल्कुल इनको फॉलो कीजिए, इनिट टू विनिट जो इनका मंच है उस पर आइए, 100% लाइक कीजिए, यूट्यूब के चैनल पर जाइए, इनको बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, डेली बेसिस पे यहाँ पे बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो थैंक यू आप सभी का, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू जबेश सर, आपको बहुत बहुत बधाई हो, इतना अच्छा सेशन को आप कंटिन्यू किए। तो आइए फ्रेंड्स, हम आज अपने स्लोगन के साथ इस सेशन को वाइंड अप करें, वी आर सो इन इट टू विन इट, वी आर सो इन इट टू विन इट, वी आर सो इन इट टू विन इट।